सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। हम शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं। मेरा नाम है जगदीश, एज 26, एड्रेस दहिसर। मेरा नाम सिरी है, एज 22। तुम्हारा एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है। शादी के लिए तुम लोग यहाँ 22 तारीख को पहुंच जाना। सुनो सिरी, इन 10 दिनों में हमें बहुत संभल कर रहना होगा। एक बार हमारी शादी हो गई फिर हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। Shades, babe. Open it. Something is wrong. Perfect. Siri, शादी के बाद हम दुबई में रहेंगे। खर्चे के लिए शायद हमें पैसे कम पड़ जाए। तुम 5 लाख का जुगाड़ कर पाओगे क्या? ठीक, मैं फिर से हार गई। कितना कहा? 10 लाख। ठीक है मैडम, ऑर्डर रेडी है। मैं लेकर आता हूँ। रहने दो, मैं ले आती हूँ। मुझे 15 मांग लेना चाहिए था। एंटर। क्या है? वैसे एक कलर तुम्हें बहुत सूट करता। अब मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था और कुछ नहीं है। प्लान 1 सक्सेसफुल रहा। शादी में सिर्फ 5 दिन बचे हैं, तुझे डर नहीं लग रहा? डरे क्यों? मुझे और इसे तो बहुत थ्रिलिंग लग रहा है क्योंकि हमें कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। हम बताते हैं क्या रे, 6 महीने हो गए, हमारा उधार कब चुकता करेगा तू? तेरे दोस्त हमें उल्लू बना रहे कि तू दुबई में है। पहुँचा दू क्या दुबई? बेचारे की बाइक गई। ए, बाइक की चाबी कहाँ है? पेट्रोल के पैसे नहीं, बेचारे के पास बाइक चलाएगा। मेरे नाम का सिम लेकर जो 10,000 का बिल बनाया वो क्या तेरा बाप भरेगा? बेचारे का गिफ्ट भी गया। पैसे नहीं है और देखो आईफोन लेकर घूम रहा है, ये कहाँ से आया? किसी ने गिफ्ट दिया था। कोई बेवकूफ होगा जो तुझे ये गिफ्ट देगा। मैं इसे बेच कर मोबाइल का बिल भरूंगा। चलो रे। अच्छा सुन, हमें जरूरी काम है। बाय बाय। इन सब के पैसे दे चुकी थी मैं। क्या क्या उनका? वो तो मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। शाम को पैसे लेके इनके मुंह पे मारना। Cheers! कितना लकी है रे, बियर खरीदने के पैसे नहीं है लेकिन BMW कार में घूमने की सेटिंग कर रखी है। छोड़ना, सब गड़बड़ हो गई यार। मेरे पीछे ना कोई राहु बन के पड़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो झोलझाल जरूर है।
ये तेरी समझ के बाहर है। बच गया, पता है जिन लोगों से मैंने उधारी ली थी अचानक मेरे सामने आ गए और पैसे मांगने लग गए, मैं फंस चुका था। अब ये नहीं बचेगा। ये तो अच्छा है कि उसका स्क्रू डील है और मैंने कुछ भी स्टोरी बना ली। अरे यार, उस रईस का खर्चा तो दुबई में कैसे संभालेगा? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ जो उसके नखरे झेलूंगा? उसके पैसे खत्म होने से पहले ही मैं उसे प्रेग्नेंट कर दूंगा और नेक्स्ट स्टेप उसके माँ बाप को बताऊंगा और फिर मजबूर होकर उन्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। बस फिर बैठे बैठे मैं स्लम बॉय मिलियनर बन जाऊंगा। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे तुम्हारा प्लान पता चल गया है। ये क्या कह रही हो तुम? होशियार बनने की कोशिश मत करो। अगर तुमने मुझे फोन किया, मिलने की कोशिश की, पुलिस कंप्लेन कर दूंगी, समझ गए? मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। सुनो तुम, अच्छा काम किया, वो दोनों दोबारा तो नहीं मिलेंगे? अगर ऐसा हुआ तो मैं पैसे लौटा दूंगा। पहले कभी लौटाए हैं पैसे? आज तक कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ी। किसने तराशा है तुझे? The most talented designer, प्रिया ने। इस ड्रेस को देखकर तो कोई भी फिदा हो जाए। अपने हुस्न पर इतना गुरूर मत कर। बॉयफ्रेंड तेरे पास भी तो नहीं है? मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही कुछ ऐसा है। क्या करें? इस पूरे शहर में मुझे पटाने की हिम्मत किसी में है ही नहीं। पूजा, तुम्हें फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे काफी दिन हो गए। मैं ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लूं? प्लीज तुम अपसेट मत हो, ये डीवीडी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। लेते हुए शर्म आ रही है तो मैं मुड़ जाता हूँ। थैंक यू सो मच। इसने नहीं लिया है, मैंने लिया है। आपकी तारीफ। पूजा'स यंगर सिस्टर। हाय, क्या चल रहा है? तुम्हारी दीदी के लिए जो फीलिंग्स है उसे मैंने रिकॉर्ड करके एक डीवीडी बनाई है। प्रपोज कर रहे हो क्या? सुनो मिस्टर सॉफ्टवेयर, हमारा फैमिली बैकग्राउंड सॉफ्ट नहीं है, जान लोगे तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। हैदराबाद चार मीनार में बिरला मंदिर जितना फेमस है ना, मेरे डैड उससे भी ज्यादा फेमस है। उनका नाम शंकर पटेल है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी सगाई पहले ही हो चुकी है और इसका होने वाला हस्बैंड मामूली इंसान नहीं है। इंडिया कब आने का प्लान है? क्रिसमस वेकेशन में आने को सोच रहे हैं अंकल। क्या हुआ बेटा? जब मेरे लोग पैसे लेने आए थे तो देवा कौन है ये पूछा था? देवा और कोई नहीं, मैं हूँ। देवा जी, मैं ये बिल्डिंग इलीगली नहीं बना रहा हूँ। मेरी बेटी और दामाद वो दोनों अमेरिका में रहते हैं और ये उनकी मेहनत का पैसा है जो मैं इस बिल्डिंग को बनाने में लगा रहा हूँ। तो फिर भला मैं आपको पैसे क्यों? वो लोग जानते नहीं मैं कौन हूँ। दामाद हूँ मैं, शंकर पटेल का। ओह, शंकर भाई साहब का। उन्हें मैं बाद में मिलके समझा दूंगा। सर, इस तरह तो आपकी शादी कैंसिल हो जाएगी अगर इसने आपके ससुर जी को सब कुछ बक दिया। नहीं बकेगा। तुम लोग अमेरिका में डॉलर कमा रहे हो और यहाँ बिना मेरी परमिशन के बिल्डिंग बना रहे हो, ऐसा करने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? आज के बाद जब भी तुम मेरा नाम लोगे तो तुम्हारे गले में खराश आएगी। जब भी मेरे बारे में सोचोगे तो तुम्हारा दिल कांप उठेगा और अगर मेरे खिलाफ जाने की सोचोगे तो मौत का खौफ रहेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैरी, तुम यहाँ पे किसी को पहचानती हो क्या? यहाँ? हाँ। यहाँ तो मैं किसी को नहीं पहचानती। हेलो। हाय लवर्स। मैरी, कौन
करने आए हो? फिलहाल तो रजिस्ट्रेशन के लिए आया हूं। अरे तो फिर इतना क्यों घबरा रहे हो? मैंने ऑफिस खोला ही है तुम जैसों को एंकरेज करने के लिए। बिना डरे अंदर चले जाओ। थैंक यू। हाँ तुम दोनों बालिक हो, बस यही प्रूफ करना है। इसके लिए मैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट लाई हूं। इंटेलिजेंट गर्ल, सर्टिफिकेट तो तुम लोग दे दोगे, लेकिन वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट ये वो चेक करेंगे। और पुलिस वाले तो स्कूल तक पहुंच जाएंगे। हाँ। तुम्हारा राज खुल जाएगा, तुम्हारे माँ बाप यहाँ आ जाएंगे और शादी टूट जाएगी। मेरी चेरी, बेकार का टेंशन मत लो, तुम एकदम सही आदमी से मिले हो। यू आर इन सेफ हैंड्स। सिर्फ 1000 रुपए दे दो, मैं तुम दोनों का बैंड बजवा दूंगा। 1000? मेरी चेरी, मुझे ओके है। दैट्स गुड। शादी के लिए 4 विटनेसेस की जरूरत है। मेरे पास भी 4 फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स पर तुम बर्बादी के लिए भरोसा कर सकते हो, शादी के लिए नहीं। मैरी, चेरी, बात बहुत सिंपल है। अगर इसके माँ बाप ने तुम्हारे फ्रेंड्स को धोया तो फोन नंबर छोड़ो, पूरा एड्रेस बता देंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। फिर क्या करें? तुम मेरे दोस्त है ना, चलेंगे ना? शैतानों को याद किया नहीं कि शैताना से। हेलो, ये दोनों तुम्हारी तरफ से विटनेसेस होंगे और हम दोनों तुम्हारी तरफ से होंगे। ओके, विटनेस के लिए मैंने 2000 रुपए फिक्स रखे। ये तो रेट बढ़ाता जा रहा है। चेरी, मेरे लिए ओके। तुम दोनों की शादी करवाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। चलो काम पे लग जाओ। भाई ये जो लव मैरिज है वो अरेंज मैरिज से बहुत बेहतर है। थैंक यू। बस चाहिए 2 हार, 2 बुके और 1 गुलाब, पूरा दुकान। ₹500 ओनली। और फिल्मों की तरह बैंड भी बजाएंगे। ₹500 ओनली। और तुम्हें पता है बड़ों का आशीर्वाद भी देना। ₹500 ओनली। एक नया ऑफर भी है, तुम चाहो तो एक साला तुम्हारे पैर भी धोएगा। वो मैं हूँ। ₹500 ओनली। जिस धर्म को मानते हो उस धर्म के हिसाब से शादी करवा सकते हैं। इसके लिए भी 500 ओनली है। इसका 1000 ओनली। सुनो, सबको समझा दिया ना? हम शादी को रिकॉर्ड करेंगे और तुम्हें एक डीवीडी देंगे। इसका खर्च होगा डिस्काउंट के बाद 5000 रुपीज। फिर बिना किसी रुकावट के तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये है मेरा कार कम ऑफिस। शादी के बाद तुम्हें इसी कार में छोड़ेंगे जो है बिल्कुल फ्री। नेक काम में देरी कैसी? स्माइल। मेरा नाम है चेरी। मेरा नाम मेरी है सर। साइन कर। योर कॉन्सेप्ट इज सुपर्ब सर। हम जैसे लवर्स को बहुत गट्स मिलता है यार। प्यार का फरिश्ता मेरा दूसरा नाम है और ये है मेरा अड्डा। अब बिंदास होकर घर जा सकते हो। थैंक यू भाई, थैंक यू। सुनो यार, अपने बिजनेस को बढ़ाने का कोई कमाल का आइडिया सोचना होगा। इस अड्डे का कोई प्रमोशनल सॉन्ग बनाए क्या? सुपर आइडिया। एक गाना मेरे दिमाग में भी है। क्या बात कर रहे हो? और आप रेडी हो? यो, दिस इज द प्रमोशनल सॉन्ग ऑफ अड्डा। क्यों दामाद जी, हमारा घर क्या इतना छोटा है जो तुम गेस्ट हाउस में रह रहे हो? सर, कमिश्नर साहब का फोन है। क्यों रे कमिश्नर, मेरे आदमी जेल में क्यों है? पता नहीं था कि वो आपके आदमी है। जिस वक्त तुम्हारी ड्यूटी हमारे शहर में लगी उसी वक्त तुम्हें हमारे आदमियों के बारे में जान लेना चाहिए था। पहली गलती है इसलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ। अगर नेक्स्ट टाइम गलती से भी ऐसा किया ना तो भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। अगर मेरे आदमियों ने गलती भी की तो तुम उन्हें गिरफ्तार नहीं करोगे, क्योंकि उन्हें सजा मैं दूंगा। तुमने मेरे जिन आदमियों को अरेस्ट किया उन्हें सॉरी बोलो और छोड़ दो। दीदी, तुम्हारा वेडिंग कार्ड तैयार है, देखो। अरे, कार्ड देखकर ऐसा कैजुअल रिएक्शन, एक्साइटमेंट क्यों नहीं है? बताती हूँ, सुधीर ने बनाया डीवीडी देखा। जानती हूँ वो मेरे स्कूल में था, मेरा क्लासमेट। वैसे हमेशा उसे साइंस पसंद था, लेकिन मेरी वजह से उसने अकाउंट्स में एडमिशन लिया और मेरी वजह से मेरी ऑफिस में काम कर रहा है। और इसीलिए मैं इस शादी को कैंसिल करके सुधीर को सिलेक्ट कर रही हूँ। तो इतनी शॉक्ड क्यों है? सडनली क्या हो गया तुझे? कुछ महीने में शादी है और तू किसी और से प्यार करती है? डैड को पता चला तो मार देंगे। अरे सुन तो ले, मैंने एक प्लान सोच के रखा है, तू बेकार टेंशन ना ले। सुधीर से मिलने जा रही हूँ, बाय बाय। अब इसे कौन बचाएगा? ये तो प्यार में अंधी हो गई है। कैसी है आंटी? अच्छी हूँ। आओ प्रिया। हेलो अंकल। राकेश, राकेश अंकल, ये सिरी की दोस्त है। हाय। और ये सिरी के हस्बैंड। अब ये कौन है और वो अरेंज मैरिज क्यों कर रही है? अंकल ने ही जरूर उसे फोर्स किया होगा शादी के लिए। बेचारी मेरी दोस्त कितनी तकलीफ में होगी, जबरदस्ती से तैयार कर रहे हैं। सिरी, हाय, आ गई तू? मैं कैसी लग रही हूँ? आंटी आप लोग नीचे जाइए, मैं बस अभी आई।
लव किया, रजिस्टर मैरिज करने वाली थी, उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी कहा था, तो फिर ये एंगेजमेंट क्यों कर रही है? उस धोखेबाज की याद दिलाकर मूड मत खराब कर, पहले बता मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना। लेकिन ये बदलाव आया कैसे? बेटी सिरी बताना मुझे। हाँ। पापा के सामने उसके बारे में बात मत करना। अरे नीचे जाओ, पंडित जी बुला रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है, ले जाओ इसे। आओ बेटी चलिए। प्रिया बेटी जरा सुनो। जी अंकल। बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ाया है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यानी उसके प्यार के बारे में आपको पता था अंकल? हाँ पता था। तो आपने ऐसा क्या जादू किया कि वो हैप्पीली शादी के लिए तैयार हो गई? बहुत मुश्किल से समझाया उसे, आजकल के बच्चे किसी की सुनते हैं क्या? तो उसका मन बदला कैसे अंकल? इस बात को भूल जाओ। अंकल अंकल प्लीज प्लीज अंकल बताइए ना, प्लीज प्लीज। तो तुम नहीं मानोगी, ठीक है बताता हूँ। ऐसा काम करने वाला एक लड़का है, वो एक दिन मेरे घर आया। सुब्रमण्यम जी आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देना है, मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन हो तुम, इस तरह अंदर कैसे चले आ रहे हो? रुक जाओ। अरे मैंने कहा रुको। अच्छा नेक्स्ट मंडे मॉर्निंग आप फ्री हैं क्या? नहीं फॉरन जा रहा हूँ। कैंसिल कर दीजिए, आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुँचना होगा ठीक 10 बजे, इम्पोर्टेंट काम है। नहीं आ सकता। आप उनकी शादी को भला कैसे मना कर सकते हैं? किसकी शादी? आपकी बेटी सिरी की। क्या रे कुछ भी मत बोल, हमारी सिरी ऐसा नहीं करेगी। पता था आप विश्वास नहीं करेंगी, इसलिए प्रूफ लेकर आया हूँ। ये फोटो आपकी बेटी की है ना, और एड्रेस भी आपका ही है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा उसे। वो आपकी इकलौती बेटी है, उसे मारकर आप ही पछताएंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ये सही रास्ता नहीं है, कोई और तरकीब लगाते हैं। और कौन सा रास्ता है बताओ? बीच चौराहे हमारी इज्जत नीलाम हो रही है, इससे तो अच्छा होगा कि हम लोग आत्महत्या कर लें। ये भी गलत रास्ता है, मुझे नहीं अच्छा लगा। हर प्रॉब्लम का सलूशन है अंकल, आपके प्रॉब्लम का भी है। थोड़ा खर्चा होगा, ओनली 50,000, एक हफ्ते का टाइम चाहिए और काम हो जाएगा। तब तक आप उसके लिए अपने पसंद का रिश्ता ढूंढिए, और इसकी तो एक हफ्ते में उसने क्या किया पता नहीं, लेकिन सिरी से जब मैंने इस शादी की बात की वो बिना एक पल गंवाए तुरंत राजी हो गई, और आज देखो सब कितने खुश हैं। मेरी मदद करने वाला वो एक भगवान का फरिश्ता था। चलता हूँ बेटी। ये बंदा तो मेरे भी बड़े काम का लगता है। ये मेरा फेवरेट वीडियो है। यही होने वाला है यार, कुछ तो करना होगा। यहाँ साइन करो, काम हो जाएगा। ए इधर आ, इस लड़की को देखा है क्या? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ए, रुक रुक तुझे बताता हूँ। मेरे डैडी के गुंडे हैं, चुप जाओ। ए हर जगह ठीक से ढूंढो। इस लड़की को देखा है क्या? ए जाना मेंटल। ए जा तू अपना काम शुरू कर, लाइए मुझे दे। ऑफिसर से इस पे साइन ले लेना, 10 मिनट में आ जाएगा। नहीं 5 मिनट में, ठीक है। इनको मुझ पे उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। इसे देखा है क्या? फोटो कहाँ है? हाँ लड़की किधर गई? फोटो में तो थी। अबे पलट यार। नहीं आई। फोटो को पलटने के लिए कहा, इसीलिए मुझे सब गाली दे रहे थे। वैसे तुम लोग हो कहाँ से? नाला सोपारा। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारी मैडम यहाँ आई है। हमारी मैडम को तुमने देखा है क्या? तुम्हारा इस लड़की से नाता क्या है? चाचा हो? नहीं। मामा हो? नहीं। मतलब कोई रिलेशन नहीं है तुम्हारा? हाँ कुछ नहीं है। तू सही आदमी नहीं है जिसे मैं इनके बारे में बताऊँ। सब लोग मेरे पास आओ रे। तुम लोग मुझसे फाइट करना चाहते हो, लेकिन पहले मेरे बारे में जान तो लो। मेरा नाम है अभी, 24 आवर्स अपने अड्डे पर मिलूंगा। परेशानी यह है कि मुझे लड़ाई बहुत अच्छे से आती है, लेकिन मेरे दोस्त कहते हैं कि मुझे लड़ना मारपीट करना बिल्कुल भी नहीं आता। अब मुझे लड़ाई आती है या नहीं आती है इसका फैसला तुम्हें करना है। आ जाओ। हर हफ्ते कोई ना कोई लफड़ा जरूर करता है, मेरी तो सुनता ही नहीं। अपने बंदे को कोई मारता है क्या? मेरी कार को कैसे चुका?
देखा कैसे मैंने पंच मिस कर दिया, लड़ाई नहीं आती ना। तेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए, तू इसी के लायक। अरे रुक जा, फोन आया यार, जरा होल्ड करना। हेलो, तुम लोग बहुत थक गए होगे ना, जरा ब्रेक ले लो। कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे क्या सीनू? हाँ। मेरे अकाउंट पे सबको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाओ। ए, हथियार नहीं लाकर हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी यार। पहले तो इसने धोया, अब हमें कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है। निकल लेते हैं क्या? ए, ये मेरी इज्जत का सवाल है, चाहे जो भी हो जाए हम लोग हार नहीं मानेंगे। हेलो जी, मैं प्रिया बोल रही हूँ, आपसे दो मिनट बात करनी थी। कोई इंश्योरेंस नहीं चाहिए, किसी क्लब में मेंबरशिप भी नहीं चाहिए और ना ही क्रेडिट कार्ड चाहिए। रॉन्ग नंबर, बाय। अरे सुनिए तो, हेलो हेलो, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं आपसे पैसे लेना नहीं चाहती बल्कि देना चाहती हूँ। ओह, फिर तो बहुत सही नंबर पे फोन किया है। लेकिन क्या है ना, अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, शाम को कॉफी शॉप में मिलते हैं, वहीं आ जाओ। बाय। चलो स्केच तैयार हो गया, अब वो हमसे किसी भी हाल में नहीं बच पाएगा। बहुत अच्छा स्केच बनाया है, तो अब तुम लोग रिफ्रेश्ड हो ना? हाँ रिफ्रेश्ड हैं। चलो सब पोजीशन ले लो। सुपर। क्या भाई तुम इसमें शामिल नहीं होगे क्या? मुझे चोट लगी है ना, मैं रिटायर्ड हट हूँ। बहुत होशियार है, पतली गली से निकल लेगा। जा तू जाके आराम कर। शुक्रिया भाई। चलो हो जाओ शुरू। भैया आप मार्क से हिल गए। इधर क्या है भैया? क्या ये लोग मार्क पर हैं? घूम गई क्या हुआ? खून निकल रहा है भाई, खून निकल रहा है। तू रिटायर हर्ट हो गया, तू जा और उसको अंदर भेज। अच्छा वो आपको बुला रहा है भाई। अबे गधे, हाँ? तुझे जरा भी अंदाजा है कि मैंने स्केच क्यों बनाया था? हाँ? ताकि उसकी मार खाने से बच सकूं। हाँ? ये मेरे बस की बात नहीं है भाई। हाँ? और ना ही तेरे बस की बात है, चल मालिक को फोन करके बुलाते हैं। ए, किसकी हिम्मत है जो मेरी बेटी की शादी करवा रहा है? रुक रुक रुक, वो रहा। ऐसा लगता है हमारी मैडम का दोस्त है और उनकी शादी यही करवा रहा है। इनके सामने मेरी इमेज क्यों खराब कर रहा है? इस टकले की बात मत सुनना अंकल, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आप मेरे साथ आइए। अरे यार दिखने में तो वो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। टेंशन मत लीजिए, चलिए। दरवाजा बंद कर दिया, पता नहीं मालिक के साथ क्या करेगा। क्या है बोलो? आपकी बेटी ने अभी शादी का फॉर्म भरा अंकल, और इसमें मैंने उसकी मदद की, और जब तक मैं आपके पास आता यहाँ कहानी ही बदल गई। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ एक डील करेंगे क्या? जीते रहो बेटा। अरे मालिक को क्या हो गया, हंसते हुए बाहर निकल रहे हैं? उसने कोई जादू किया होगा। अच्छा सुनो बेटा, संडे को मेरे घर पे लंच पे जरूर आना। ठीक है जरूर आऊंगा। सब ठीक है, आ जाओ। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सब संभाल लिया है, तुम्हारे पापा राजी हैं, खुशी खुशी घर जाओ। चलो बेटा हमें शादी की तैयारियां करनी है। अरे जाओ, जाओ बेटा, चलो चलो रे। तुम मामूली आदमी नहीं हो बाप। हेलो, इतने शोक में क्यों? अभी फटाक से अंदर जाओ और शादी की डेट देख लो कब की है, मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो? अरे फिक्र मत करो, जाओ जाओ ना। तूने उसे क्या कहा जो वो मान गया? अरे भाई मैंने उसे साफ साफ समझा दिया, क्वार्टर तो छोड़ो, वाटर के भी पैसे नहीं हमारे पास, प्लीज इस शादी के लिए मान जाइए और हमारे बिजनेस को हेल्प कीजिए। शादी पक्की हो गई, 5,000 रुपए मिलेंगे। तूने इधर छू दिया यार। किधर? मेरे दिल का, तेरे चरणों को दूध से धोना भी कम होगा। अभी मैं तेरी पोर्ट्रेट साइज तस्वीर भगवान के पास रखूंगा, लेकिन फोटो मैं कल खींच लूंगा। तेरे जैसा एक दोस्त ही काफी है, तूने आज मेरा दिल जीत लिया, ये ले मेरी घड़ी। अरे भाई ये ओवर हो रहा है मेरे लिए, मैं चलता हूँ। अरे मेरी घड़ी। लेट हो गया, वो बेचारी मेरा वेट कर रही होगी। तुम
में दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी, गलती से हो गया। काय का सॉरी? जानबूझकर टकराया ना? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को जिंदगी में कभी छू भी नहीं पाओगे, इसलिए चीप ट्रिक्स अपनाते हो। थोड़ा जरूरत से ज्यादा नहीं कह रही हो? शुरू ही कहाँ किया है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं जानते? एक मिस्ड कॉल से तुम्हारा मर्डर करवा सकती हूँ। यार तू कितनी अकड़ू है, अगर और कुछ कहा ना तो श्राप दे दूंगा कि तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड ना बने। जरा देखा तो देखा, फिर भी जो बन गया है जा रही है, समझा रहा समझ नहीं आ रहा है। चुप कर, तेरे साथ टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, अर्जेंट काम है मुझे, चल हवा ने दे। उम्मीद करता हूँ वो लड़की ये अकड़ू ना हो। उम्मीद करती हूँ वो लड़का ये छिपू ना हो। हे भगवान, इसका फोन नहीं बजना चाहिए। आर यू प्रिया? या आ जाओ, वो छिपू लड़का मैं ही हूँ। तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, और होगा तो तुमने खुद ही क्रिएट किया होगा। प्रॉब्लम मुझे नहीं है, मेरी दीदी को है। हाल ही में वो किसी के प्यार में पड़ी है और तुम्हें उसके लव को ब्रेक करना है। हाँ, लेकिन उस काम के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ते का वक्त है। 75,000 देने को तैयार हूँ, डील ओके? मैं जाती हूँ, तुम्हारा रेट 50,000 है। बात यह है कि मुझे टिप्स देने की बचपन से आदत है। हेलो मिस। थैंक्स कहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, फॉर्मेलिटीज अच्छी नहीं लगती मुझे, काम पर लग जाओ। अब मैं कुछ बोलूँ, मुझे ये नहीं करना। क्यों, रेट सही नहीं लगाया गया? तुम सही नहीं लगी, तुम्हारी बॉडी में मटन कम गुरूर ज्यादा। तुमसे तो कोई सीधे मुंह बात भी ना करना चाहे। वेरी गुड, इसे मेंटेन रखना, बिल पे कर देना, बाय। हेलो, तुम्हें लगता है तुम बड़े 30 बार खान हो क्या? दीदी का प्यार तोड़ने के लिए तुम्हारी जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं ही काफी हूँ। ऑल द बेस्ट, काम पे लग जाओ, चल निकलना। अब इसे कैसे कन्विंस करूं? दीदी, प्रोजेक्ट वर्क है? नहीं यार, लाइफ वर्क है। लाइफ वर्क मतलब? इसे कहाँ रखूं मैं? इसे मैं पापा के पिलो के नीचे रख देती हूँ, जब सोने आएंगे तो देख लेंगे। क्या कर रही है? नहीं, अगर नहीं देखा तो कहीं और रखती हूँ। दिखा दो, क्या है ये? पापा मुझे माफ कर देना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये क्या है, तुम भागकर शादी करोगी? पागल हो गई हो? जब लव होता है तो पागलपन होना जायज है, उन्हें कन्विंस तो नहीं कर सकती, इसलिए ये लेटर लिखा है। ऐसा किया तो डैड तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। हाँ। ओ मेरी प्यारी गुड़िया, तू टेंशन मत ले, वो तुझसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं, ये तो तू जानती ही है। वो मुझसे खफा नहीं रह सकते, 10 दिन में उनका फोन आ जाएगा, देखना। आज से लिए डैड से बढ़कर वो लड़का हो गया है, ये सोचते ही मुझे डर लगता है। मुझे प्लीज एक हफ्ते का टाइम दे, डैड और जीजा जी को मैं कन्विंस कर लूंगी, ये लव मैरिज सक्सेसफुल होगी। ठीक है ना? भरोसा करना, प्रॉमिस। ठीक है, ट्राई कर ले, लेकिन अगर उनमें से कोई नहीं माना तो मैं ये लेटर देके भाग जाऊंगी। अब उसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। Excuse me, I'm sorry. हमारे बीच डील नहीं हुई, फिर डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? हम लड़कियों की तो आदत ही होती है ज्यादा बोलने की, तुम बेकार में इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? जो हुआ उसे भूल जाओ ना। अच्छा, कल तक तो तुम्हारे तेवर थोड़े अलग थे, आज कन्विंस कर रही हो? ऐसी हूँ मैं, क्या करूँ? कहो ना कि जरूरत है, बॉडी लैंग्वेज चेंज करके तुम मुझे कन्विंस नहीं कर सकती, चला डा। आप यहाँ है सर? ए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ पर हैं और मैं आपको हर जगह ढूंढ रही थी। मैं कुछ पर्सनल काम कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा क्या? बाहर वेट करो। इंतजार करने का टाइम नहीं है, काम शुरू कर दो ना। I'll pay अरे you. तुम जाओ। Please, अरे क्या कर रही हो? जाओ। अरे यार, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो।
मुझे गलत मत समझिए, जब तक काम खत्म नहीं कर लेती मुझे चैन नहीं आता। काम को नहीं, तुम मुझे खत्म करना चाहती हो। तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी दीदी के प्यार का ब्रेकअप। तुम्हारे टॉर्चर सहने से अच्छा है उस काम को अंजाम देना, लेकिन इस काम के लिए 1 लाख लूंगा और मेरे मेंटेनेंस का खर्चा भी तुम संभालोगी। ओके। देखो मेरे कुछ रूल्स हैं, पसंद नहीं आने पर भी फॉलो करने होंगे। ठीक है। तू तो गई, अब देख तुझे कैसे नचाता हूँ। रूल नंबर 1, मैं जो कहूँ वही करना होगा। अपना दिमाग नहीं दौड़ाओगी? नहीं दौड़ाऊंगी। वैसे भी दिमाग है कहाँ? वो तो वक्त ही बताएगा। रूल नंबर 2, जो भी इन्फॉर्मेशन मांगूंगा सच बताना होगा। कोई सवाल नहीं करोगी? नहीं करूंगी। मेरे लिए तुम्हारा क्या ओपिनियन है? तुम कितने भले इंसान हो, कितनी हेल्प कर रहे हो मेरी। तुम रूल्स फॉलो नहीं कर रही हो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, सच कहती हूँ, तुम जरूरत से ज्यादा ही स्मार्ट हो। वो तो मैं हूँ, तुम बनने की कोशिश मत करना। रूल नंबर 3 क्या है? जरूरत नहीं, जितने हैं काफी हैं। पैसा फेंको, तमाशा देखो। ये रहा एडवांस। तुम टेंशन मत लो, उन्हें पहले अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम बस मुझे फॉलो करो। मेरी दीदी का प्यार नाकामयाब करने में मुझे कामयाबी देना। तुम कितना अच्छा जोक करते हो। वो तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। जो भी हो, ब्रेकअप करवाना ही है, वरना वो अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। इस कहानी में वायलेंस भी है। हाँ। मुझे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होगा। लो, मुझे तो। अब रहने दो। हाँ? वो गए। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी ना। हो? दीदी तू सोने जाना। हाँ छोड़ो चलो। मूवी के लिए लेट हो रहे हैं, चलो चलते हैं। सुधीर, टायर पंक्चर। हो? अब हम वक्त पर नहीं पहुंच पाएंगे। ये इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो काम के बाद दीदी रोज इसी रेस्टोरेंट में आती है। क्या कह रहे हैं, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। अभी सुनाता हूँ। कैसे? तुम्हारा फोन देना। मेरा फोन। ये लो। ए, उठ जाओ। प्यार की बातें कितनी बोरिंग होती है ना। हमें बोर लग रही है, लेकिन वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। तुम उन्हें ऑब्जर्व करो और मैं पेट पूजा करता हूँ। उनकी बातें सुने। 2 मिनट रुक जाओ। मेरा फोन नहीं, तुम्हारा फोन। सॉरी। सॉरी से काम नहीं बनेगा मैडम जी, वो फोन बहुत महंगा था। पैसे दो चलो। सर बिल। ब्रदर, मैडम जी अगर बिल देंगी तो तुम्हें शर्म आएगी क्या? नहीं सर। तो उन्हें दो, उन्हें दो ना मैडम जी। बिल भरते वक्त चेहरा क्यों उतर जाता है? हमारा वॉलेट छोटा सा है, तुम इतना बड़ा पर्स रखती हो तो खोलती क्यों नहीं हो? फोकट का खाने का आदत है। जहाँ भी जाएं बॉयज ही बिल भरेंगे, ऐसा सबने रूल बना कर रखा हुआ है। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? कैसे होगी, देखा नहीं तुमने, मैंने अब तक कोई बिल नहीं भरा। मैं लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करता, मुझे तो बस प्यार तोड़ने की कला आती है। पूरी जिंदगी बैचलर रहने का रहता है क्या? बुरा क्या है उसमें? तुम बताओ, इतने दिनों से हम साथ हैं, एक बार भी तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश की? करना भी मत। कर भी नहीं सकता, क्योंकि मुझे वो करना आता ही नहीं। पूरी लाइफ यूं ही वेस्ट करोगे। मेरी हालत तुमसे कई गुना बेहतर है, कोई लड़का चाहकर भी तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करेगा। ऐसा क्यों, मुझमें क्या कमी है बताओ? लड़कियों का सिर्फ खूबसूरत होना काफी नहीं है, देखो उनके पास थोड़ी सी अदा। हाँ? थोड़ी सी नजाकत। हाँ? थोड़ी सी शर्म। हाँ? और मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मेरा अमीर होना ही काफी है। अमीर होकर तुम एक कुत्ता खरीद सकती हो, लेकिन उसके दुम हिलाने के लिए भी थोड़ा सा तो प्यार चाहिए होगा ना। तुमसे तो उसकी भी उम्मीद नहीं है। देखो देखो, मैंने सच कहा। दीदी का मैसेज है। शिट, उन्हें हेडेक हो गया है, शॉपिंग के लिए नहीं आएंगी। अगर टाइम खराब हो तो कोई क्या कर सकता है, ये आइडिया तो फिलहाल मेरे काम का नहीं आया, लेकिन तुम आ सकती हो। मेरा मतलब है 100 रुपए दो, मुझे पेट्रोल भराना है। 1000 रुपए क्यों? क्योंकि तुम मेरे काम आओगे। चलो। लेकिन कहाँ? चलो कुछ काम है। हाँ? ये क्या, मुझे इस ट्रायल रूम में क्यों लेके आई हो? 10 दिन बाद कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और उसपे मेल जजेस भी होंगे। उनका टेस्ट कैसा होगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ?
इसके अंदर मेरे सारे ड्रेसेस हैं, तुम्हें कौन सा पसंद है वो बताओ। कॉलेज में मेरे अलावा ये कॉम्पिटिशन कोई नहीं जीत सकता। एक्सपोज होने के लिए पैसे दिए थे, हो जाओ। ठीक है, एक्स्ट्रा सर्विस का तो एक्स्ट्रा लूंगा। ये ड्रेस कैसा लगा? बहुत अच्छी है। दूसरी वाली ट्राई करती हूँ। और ये वाली कैसी है? उससे भी बढ़िया है। एक और ट्राई करती हूँ। ये ड्रेस कैसी लगी? बहुत हे, तुम्हारी बोलती बंद, मतलब ये ड्रेस बेस्ट है, ये ड्रेस फिक्स। अरे यार, मैं ये क्या सपने देखने लगा? अभी क्लाइंट के साथ कंट्रोल करना होगा, काम पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। कहाँ हो तुम? फिर तेवर बदल गए? प्रिया, ये सब क्या है? दिखाई नहीं देता, खाना परोस रही हूँ। ये लो, यहाँ सबको सांभर दो। जरा चावल देना। अभी अरे भाई, सांभर दे। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो पता होगा। हर साल इस दिन वो गरीबों को खाना खिलाती है, आज उसकी माँ की बरसी जो है। मुझे इस तरह देखकर तुम्हें शौक लगा होगा ना? मैं अपनी मम को बहुत मिस करती हूँ, उनके लिए जितना भी करूँ कम ही होगा। मेरे डिलीवरी के टाइम थोड़े कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, डॉक्टर ने कहा कि हम दोनों में से किसी एक को ही बचा पाएंगे। डैड तो मॉम को ही बचाना चाहते थे और मॉम मुझे बचाना चाहती थी, इसीलिए मॉम ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। पैदा होते ही हर बच्चा रोता है और परिवार वाले हंसते हैं, लेकिन मेरे पैदा होने पर मेरे साथ पूरा परिवार रोया था। मुझे तो उनका चेहरा तक याद नहीं, उनकी मुस्कान भी याद नहीं। मेरी वजह से मेरी मॉम नहीं बच पाई, मैं उनकी मौत की जिम्मेदार। देख भाई, रोज किसी और के पैसे से पीना अच्छी बात नहीं होती। तो ठीक है, हम भी किसी की शादी करवाएंगे और पैसे कमाएंगे। जैसी जैसी क्या हो गया तुम्हें? अब कुछ भी नहीं हो सकता कार्तिक, मैं जा रही हूँ, मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। जैसी जस्ट वेट, सोचो दुनिया में इतनी सारी लड़कियां हैं, मैंने तुमसे ही प्यार क्यों किया? अरे ये मुझे क्या पता, तुम बताओ दुनिया में इतने सारे लड़के हैं तो फिर मैं तुम्हारा वेट क्यों करूं? आई एम सॉरी, मैं जा रही हूं। जैसी जैसी रुक जाओ। देख भाई, इट्स अ लव प्रॉब्लम है, हमें मदद करनी चाहिए। तो चल। हेलो हेलो हेलो, अबे क्या प्रॉब्लम है? उसका बाप मेरे लिए प्रॉब्लम है। उन्होंने क्या कहा? शादी के लिए तैयार नहीं है। और ये मैडम जी? पहले तो मान गई थी और अब ना बोल रही है, पहले मेरे साथ भागने को तैयार थी, अब बोलती है लेट हो गया। अरे तुम हमें सिर्फ 5,000 रुपए दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। 5,000 में काम हो जाएगा? अरे 5 मिनट में हो जाएगा, मुझे उसके बाद के करने। चलो ए भाई, तूने शायद यही घर बोला था। 7 by G है या C है, मुझे याद नहीं आ रहा। अगर कोई लड़की किसी लड़के को बीच राह में छोड़ देती है तो यही नंबर होता है, पूरे शहर में फेमस है। बिल्कुल सही कह रहे हो, आई लव यू। एक कार्तिक, कार्तिक उसके बाप का नाम क्या है? सुधाकर। सुधाकर, हाँ सुधाकर, सुधाकर, सुधाकर। ए तुम लोग सब यहीं रुकना, हाँ मैं उन्हें समझाऊंगा, मैं उन्हें मनाऊंगा, जरूरत हुई तो हाथ जोड़ूंगा, पैर पड़ जाऊंगा, लेकिन कोई आएगा नहीं बीच में। हाँ कोई बीच में? ए चला दुकान है, ए मैं कह रहा हूँ ना, मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। ए कोई बीच में नहीं आएगा, बात सुन। ए कोई बीच में नहीं आएगा।
am back. मुझे बता नहीं था कि वो टेढ़ा है, मुझे क्रिकेट नहीं आती है। ए राजा, क्रिकेट में ना पहले बॉल से और फिर बैट से खेलते हैं। अरे मैं वैसा नहीं हूँ भाई। क्या फर्क पड़ता है? पापा नहीं है क्या? बाप भाई क्यों चाहिए? मैं हूँ ना। अरे सुधाकर, ये सब तेरी वजह से। अरे मार दे। सुधाकर, सुधाकर। भाई ये नहीं, वो वाला नंबर फेमस था, गलती हो गई। बताएगा आखिर अंदर हुआ क्या है? उसने मेरी जवानी को निचोड़ के रख दिया। हाँ। उसने मुझे कई भूत दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जरा खुल के बताना क्या हुआ। कहानी शुरू होती है जब हम यहाँ आए थे और दरवाजा खटखटाया था। सुधाकर, 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 आज तुम्हारी दीदी यहाँ आने वाली है। ओह, हाँ? ये क्या पागलपन है? अपने प्यार को साबित करने के लिए लोग यहाँ इतनी दूर आते हैं। प्यार का दूसरा नाम ही पागलपन है, ये उसका सबूत है। छोड़ो इस बकवास को। अच्छा मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। वो अपनी पहली किस की प्लानिंग कर रहे हैं। ये बात है तो हम यहाँ क्यों हैं? चलो यहाँ से चलते हैं। हमें उन्हें रोकना है। हम कामयाब नहीं हुए ना तो बुरे फंसेंगे। देखो देखो वो आ गए। हाँ हाँ चलो चलो। ये लवर्स ने बनाया है, इसीलिए इस स्पॉट को लवर्स स्पॉट कहते हैं। वाओ, हार्ट शेप तो बहुत प्यारा लग रहा है। बकवास है। उन्हें किस नहीं करना चाहिए। रुको, अरे रुको, रुक जाओ, मैं कुछ करता हूँ। हेलो, मुझसे दूर क्यों भाग रहा है तू? कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, मोटा मार्केट का इंस्पेक्टर सिंगम। आता माजी सटकली आई चगावत। आपको कौन चाहिए सर? तेरा नाम बदिर है ना? बदिर नहीं है सर, सुधीर है। रॉन्ग नंबर। उन्हें रोकना है, क्या किया जाए? Come on अभी, come on। अरे तुम मुझसे ऐसे लिपट क्यों रही हो? क्या करना चाहती हो? इतना कस के हग मत करो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। अरे कोई देख लेगा हमें। मेरी बात मानो, मुझे लव बाइट क्यों दे रही हो? अरे प्लीज, ओ क्या कर रही हो? दे, अगर तुम ऐसे ही करती रही ना तो मैं बेकाबू हो जाऊंगा। देखो ये जगह सही नहीं है, चलो यहाँ से। ए रुको ना। ओहो, उन्होंने किस कर ली। अरे देखो तो वो लोग जा रहे हैं। अरे यार मुझे कितनी टेंशन हो रही है, हफ्ता भी खत्म होने वाला है। अगर हम उन्हें अलग नहीं कर पाए ना तो पता नहीं कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे सुनो, टेंशन में तुम्हारी शक्ल बिगड़ जाती है। तुम्हारी टेंशन मेरी टेंशन है, कल वो लोग अलग हो जाएंगे, कंफर्म। मैं बाइक लेके आता हूँ, तुम ये रुको। ये लुच्चा लफंगा मेरी दीदी से प्यार करता है। कहाँ जा रहे हो? कौन है आप लोग? क्यों समझ में नहीं आ रहा? मेरे जैसा स्मार्ट कोई देख रहा है यहाँ पे? अच्छी क्या कर रहा तू? ये चेन को अंदर डाल, मैं इस गांव का सरपंच हूँ। आप इतनी दूर ये बताने आए हैं? मजाक बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। अरे बाबा, इतना बड़ा पत्थर था और उस पर लिख कर इसे इतना छोटा बना दिया। अब मैं और सहन नहीं करूँगा। तुम शहर के जोड़े यहाँ लुकाछिपी करने आते रहते हो, संस्कृति का नाश करते हो और हमारे गांव का नाम तक बदल दिया। अब इसे बुलाते हैं लवर्स हॉट स्पॉट। सर आपको गलतफहमी हुई, हम लवर्स नहीं हैं। यानी कि लवर्स नहीं होकर के भी यहाँ चले आए। तुम जैसों को तो कभी माफ नहीं करना चाहिए, पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। मेरे पास एक जबरदस्त हथियार है। तलवार आ जाती है क्या पॉकेट में? शायद गन रखी है। ये रहा पवित्र धागा, तुम्हारी शादी इसी वक्त करवाऊंगा। अरे प्रिया प्रिया, सुनो, एक शब्द भी मत बोलना। जानते हो मैं कौन हूँ? शंकर पटेल की बेटी और देवाजी की साली। देवा, ये नाम तो जाना पहचाना लग रहा है। वही है मालिक जिसने आपकी 2 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था। मुझे उसी की तलाश थी। ए भक्तिका, बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे घर वाले अन्ना हजारे की टीम में है, माफिया की टीम में है? उनके दुश्मन ज्यादा होते हैं। इसका एक ही सलूशन है, हमें शादी करनी होगी। और कोई रास्ता नहीं है। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। सर आप बहुत अच्छे आदमी लग रहे हैं, फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लवर्स की शादी करवा कर उन्हें सजा क्यों दे रहे हैं।
क्या आपकी शादी कामयाब नहीं रही? ए, पकड़ रहे इसे। तुमने तो बिल्कुल सही कहा बेटा, बहुत ही होशियार लग रहे हो तुम। एक बार नहीं, दो बार नाकामयाब रही। दो बार? वो कैसे? ए, आवाने दो रहे, चलो। पहली वाइफ जो थी ना, वो तो एक साल भी नहीं टिकी, मुंह फिरा के अपने मायके चली गई। मैं आपका दर्द समझता हूँ, आगे क्या हुआ? दूसरी शादी करनी पड़ी। फिर से शादी की? वैसा होता तो अच्छा होता, वो तो मेरे साथ ही रहती है और डेली मुझे टॉर्चर करती है यार। आप लवर्स को शादी की सजा क्यों देते हैं? अब मेरी समझ में आया। लेकिन यकीन मानिए, हम लवर्स नहीं है, हम तो दोस्त भी नहीं है। तो फिर यहाँ क्या घास काटने आए हो तुम लोग? आपके सर की कसम खाता हूँ। बेटा तू मुझे मेरे दिल की गहराई तक छू गया है, लेकिन मुझे प्रूव करना होगा कि तुम दोनों लवर शवर नहीं हो। बस एक मौका दूंगा मैं तुम्हें। ये एक ही मौका मेरे लिए काफी है। प्रिया, एक प्लान बताता हूँ, चुपचाप फॉलो करो। सर जी, जब देखो तो पैसे का घमंड दिखाती रहती है। अरे तू समझती क्या अपने आप को? अरे तेरे जैसे कितने लड़के बना सकता हूँ मैं? अबे जा और देखे तेरे जैसे। तो बोलेगी ना कैसे इतना गलत आवाज होगा, समझी क्या? सर जी, लवर्स इस तरह कभी नहीं झगड़ते ना, अब तो आपको विश्वास हो गया ना? ओके बाय। अरे सुनो मेरे भोले वाले बेटे, मैं और मेरी बीवी रोज इसी तरह लड़ते हैं, तो इसका मतलब कि हम दोनों के बीच प्यार नहीं है। आपस में झगड़ना, मारपीट करना प्यार जाहिर करने का सबसे उम्दा तरीका है। क्या मुसीबत है? बेटा मैं तो तुम्हारी शादी करवा के रहूंगा। ला सर जी, सर जी, सर जी, एक और चांस दीजिए ना प्लीज। ओके दिया। प्रिया, मुझे तुमसे अपने दिल की बात कहनी है। हमें मिले साल भर या महीना भर भी नहीं हुआ, पर ना जाने क्यों ऐसा लगता है हमारा रिश्ता जन्मों का है। ये सब मस्ती, ये खुशियाँ मेरे जिंदगी भर की मेमोरीज बन चुकी हैं। तुम मेरी हर सांस में हो, मेरी हर धड़कन सिर्फ तुम्हारा नाम लेती है। जब तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि सपना है जो मेरे लिए सजाया गया है। जब पास नहीं होती हो तो तुम्हें ढूंढता हूँ, मैं तुम्हारा साथ आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहो तो चांद तारे सब कुछ तुम्हारे कदमों तले बिछा दूंगा। क्या तुम मुझे सिर्फ एक मौका दोगी? उठ जा रे बेटा, उठ जा। अब क्या तू हमें रुलाकर ही दम लेगा? आई एम श्योर इतना प्यार तो कोई किसी से नहीं करता। ये तो बिल्कुल वैसी लव स्टोरी है जैसे लैला मजनू, सलीम अनारकली। पता है ना उन सबका क्या हुआ? टाइम वेस्ट मत करो, घर जाओ। ए, देखो उस पत्थर के पीछे कोई आया जो लिप चिप कर रहा है, चलो रे। बैठो। यहाँ क्यों लेकर आई हो? तुम्हारे साथ यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। अब मैं? बड़ा मजा है, फुल नाइट एंजॉय करेंगे। रुके सर, टुडे इज हिप हॉप नाइट, ये ड्रेस नहीं चलेंगे। भिखारी लग रहे हैं क्या? चल 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 चल, इज देयर अ ड्रेस कोड? या मैम। ओके, वी बोथ नीड इट, यू विल गेट इट इनसाइड। ये ड्रेस कोड क्या है? यूनिफॉर्म पहन के पब में जाएंगे? वाह 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 वाह, इस बकवास से ड्रेस के लिए वो लोग रेंट लेते हैं 2000, वो भी सिर्फ एक घंटे के लिए। तुम जैसे अमीरों को ये अच्छी तरह लूटते हैं। मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। वैसे भी ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए है। थोड़ा ज्यादा महंगा लिया क्योंकि बिल तुम पे कर रही हो। मैं ये एंजॉय करता हूँ, तुम म्यूजिक एंजॉय करो। Cheers. क्या हुआ तुम्हें? आज मैं कितनी खुश हूँ कैसे जाहिर करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। पेट में गुदगुदी सी होने लगी है। गुदगुदी मतलब? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? एक अलग सी केक लग रही है। ये पियो और केक लगेगी। ये बात है। ए, अरे
ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। 10 मिनट इंतजार करना होता है, असर होने लगेगा। वेटर, 4 पैक और लाना। ये कहाँ गई? हे! अरे रुक जाओ यार। आप कहाँ जा रही हो? अरे सुनो, प्यार के बारे में कुछ बता दो। तुम्हें चढ़ गई है, चलो मैं घर छोड़ देता हूँ। यहाँ क्यों बैठ गई हो? चलो मेरे साथ चलो। नहीं चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ घर। अरे ये तुम क्या कर रही हो यार? लव कितना मजेदार है। अरे रुको, तुम इस बाइक पर अकेले क्यों बैठे हो? फंस गया। बैक सीट पे गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? क्योंकि है ही नहीं, तुम फ्री हो गए। गर्लफ्रेंड चाहिए तेरी भैंस को, डंडा मारो, चल भाग यहाँ से। हेलो, तुम्हारी प्यार की बात कोई नहीं समझने वाला, यहाँ सब डबल मीनिंग लेंगे। अरे चलो, सुनो तो, आज की रात जो होना है हो जाए। तुम्हारी तो कोई ना। अब बाइक पर बैठो। सॉरी, मुझे पता है तुम बदल चुके हो, इसलिए कोई बात नहीं। कैसे कैसे पता कि मैं बदल गया हूँ? आज पब का बिल तुमने भरा है। ओह थैंक्स अभी, आज की रात मैं कभी नहीं भूलूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। ओ यार, ए गो। रिजॉर्ट जाना है, बहुत दूर है। दीदी कितनी खुश है, फिर उन्हें अलग क्यों करें? नहीं, उन्हें छोड़ देते हैं। अभी को फोन करके बता देती हूँ। फोन कहाँ है? क्या टाइम हो रहा है? 11 बज रहे मैडम। दीदी कहाँ है? वो तो सुबह ही कहीं निकली। और तुम्हें कितनी बार फोन किया? वो रिजॉर्ट आ चुके हैं। अभी तुमसे कुछ जरूरी बात कहनी है। जरूरी बात बाद में, मैं अपना काम कर लो। ओके बाय बाय। पे करती हूँ। प्लीज प्लीज। नहीं प्लीज। मैं पे करूंगा इस बार, मेरी तरफ से। अरे ये मुझे तुमने क्या समझ रखा है सुधीर? तुम्हें मैंने उस दिन किस क्या कर लिया? तुमने मेरा कैरेक्टर ही लूज समझ लिया और सोचते हो जो मन में आएगा वो करोगे? क्या मैं एक चीप लड़की लगती हूँ? पूजा, पूजा, ये मेरे पर्स में कैसा है मुझे नहीं पता। सर नमस्ते। रूम बुक करने वालों को एंट्री फीस नहीं लगती सर। यहाँ पुलिस का टेंशन नहीं है, आपने फोन करके मुझे परेशान कर दिया। मैंने? अरे आने से पहले तुमने सारी तैयारियाँ कर रखी हैं। क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पूजा। अगर तुम पर और विश्वास किया तो मैं और बेवकूफ बनूंगी। तुम मुझे गलत समझ रही हो पूजा। तुमसे प्यार करना ये मेरे फ्रेंड की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे सबक मिल गया पूजा। गुड बाय पूजा। प्लान काम कर गया। अभी ए प्रिया, सक्सेस, तुम्हारी दीदी का पैर टूट गया। ये गॉड, अभी तुमने सब गड़बड़ कर दी। हाँ? दिल तोड़ते वक्त एक बार भी दर्द का एहसास नहीं हुआ क्या? तुम्हें फीलिंग नहीं है क्या? तुम्हारे पास दिल भी नहीं है? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये काम तुम्हें तो दिया था। अरे मैं तो बिन माँ की बच्ची हूँ, प्यार व्यार नहीं समझती। पर तुम्हारा क्या, पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाओगे? तुम इंसान नहीं हो, एक पपेट हो जो पैसे के लिए नाचता है। तुम ज्यादा बोल रही हो, जवान पर लगाम दो। कुछ भी बके जा रही हो, बेवकूफ समझ रखा है क्या? कहीं ये सब बैलेंस पैसे नहीं देने का नाटक तो नहीं? नाटक करना मेरा नहीं तुम्हारा काम है। कल रात भी मेरे सामने नाटक किया। लवर्स को अलग करने के लिए भी नाटक करते हो, तो जिंदगी भर ऐसे ही नाटक करते रहोगे? लिमिट क्रॉस कर रही हो तुम। मेरे बैलेंस पैसे दो और निकलो यहाँ से। तुम में तो फीलिंग्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये लो मेरा डेबिट कार्ड।
प्रिया, इसका पिन नंबर नहीं बताया तुमने? ये नहीं बदलेगा दीदी। हमारा ब्रेकअप हो गया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हम अलग हो गए हैं, तुम्हें और कोशिश करने की जरूरत नहीं। मैं हार गई, मेरा प्यार हार गया, यही मेरी किस्मत है। तुमसे कुछ कहना था, प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। अभी तुमने सब गड़बड़ कर दी, तुम्हारे पास दिल भी नहीं है, नाटक करना मेरा नहीं, तुम्हारा काम है, तुम इंसान नहीं हो, एक पपेट हो, बेटी। प्रिया, यहाँ क्यों सो रही हो तुम? डैड, अब देखो ना, ये लेटर मुझे रूम में मिला। तुमने मेरा रीडिंग ग्लास देखा क्या? उसके बगैर मैं ये पढ़ नहीं पा रहा हूँ बेटी। नहीं देखा डैड। अच्छा ठीक है, तुम ही जरा इसे पढ़ दो। दीदी ये लेटर छोड़कर भाग गई। क्या हुआ बेटी? आप पहले बैठ जाइए डैड, बैठ जाइए। क्या हुआ, बात क्या, तुम इसे पढ़ क्यों नहीं रही? पढ़ती हूँ, आप बैठ जाइए ना। एक मिनट, अभी आई। अभी से क्या हो गया? भाग गई। दीदी तुमने बिल्कुल सही काम किया, वरना मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाती। हैप्पी मैरिड लाइफ दी, मैं यहाँ कोई भी रीजन देकर मैनेज कर लूंगी। दीदी एक जरूरी बात, बाहर अभी जैसे झोलर होते हैं उनके जाल में गलती से भी मत फंसना। वो किसी के साथ भाग गई है और मेरे लिए उसने ये लेटर छोड़ा है। ए, चलो उसे ढूंढते हैं। रुक जा, उसे कहीं भी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। उसने जिस वक्त इस घर से बाहर कदम रखा उसी वक्त वो मेरे लिए मर गई। मैंने तुमसे वादा किया था कि मेरी बेटी तुम्हारी बीवी बनेगी और मैं वो वादा नहीं तोड़ूंगा। बेटी प्रिया, तुम भी किसी से प्यार करती हो क्या? मैं किसी से प्यार नहीं करती डैड। फिर अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम देवा से शादी कर लो, ठीक है ना? जैसी आपकी मर्जी। देखा देवा, मैं एक बार जुबान दे देता हूँ तो उसे हर कीमत पर पूरा करता हूँ। हेलो दीदी,
अरे तुम हो कहाँ? मेरी शादी हो गई है और मैं बहुत खुश हूँ। कॉफी? रह कहाँ रही हो? सिंगापुर में। वैसे डैडी कैसे हैं? ठीक ठाक ही हैं। तू चली गई तो मेरी शादी अब जीजा जी से करवा रहे हैं। तू हमेशा कहती थी ना उनसे शादी करने वाली लकी होगी, नाउ यू आर लकी। वैसे डैडी की मुझे बहुत याद आ रही है, जरा उनसे बात करवा देगी? डैड फोन। हेलो। मैंने जो आपका दिल दुखाया उसके लिए सॉरी डैडी। टाइम पर टैबलेट्स ले लीजिएगा और ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, मुझे पसंद नहीं आएगा। फोन रख दो, ये लो। सब सुनने के बाद काटने का क्या फायदा? अभी अभी कहाँ खोया अभी? हा? लड़की 10 बार कह रही है कि उसका नाम स्वाति है, स्वाति है, फिर तूने प्रिया क्यों लिखा? आजकल तेरा काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है तुझे। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस लड़की ने क्या जादू कर दिया? कौन लड़की? बस बहुत हुआ, इसका जवाब ढूंढना ही होगा, तब तक तुम लोग संभालो। अबे अरे कहाँ जा रहा है तू? हाय प्रिया, तुमसे कुछ बात करनी है। हमारी डील खत्म हो चुकी है, डिस्टर्ब मत करो। डिस्टर्ब मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम कर रही हो। What? समझ में नहीं आया, कल फिल्म देखने गया था, ऑसम कॉमेडी थी उसमें, सब लोग फिल्म देखकर हंस रहे थे सिवाय मेरे। मैं तो बस यही सोचता रहा अगर प्रिया यहाँ होती तो कितना एंजॉय करती, और बस ये सोचते सोचते फिल्म खत्म हो गई। लाइफ में तो जैसे एंटरटेनमेंट खत्म ही हो गया है। हाँ। ना मुझे नींद आती है, ना मैं काम कर पा रहा हूँ, हर वक्त बस तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे फ्रेंड्स ने कहा मुझे लव हो गया है। अच्छा, अब मेरी फीलिंग्स के बारे में सुनोगे? I hate you. चलो मेरे रास्ते से हट जाओ। तो मैं कौन सा प्यार करता हूँ? जाओ जाओ, चलो हवा आने दो। तुम्हारा ही बैड लक है, मुझे मिस कर दिया। जाओ बेबी, कहाँ तक जाओगी? एक ना एक दिन तुम्हें प्यार करवा के रहूंगा। तुम जानते हो यहाँ क्यों बुलाया है तुम्हें? आज ही यहीं पर फैसला होकर रहेगा। शर्माओ मत, I love you बोल दो। तुम्हें गलत फहमी है कि ये प्यार है, तुम प्यार नहीं कर सकते, तुम्हें तो बस ब्रेकअप करना आता है। तो तुम्हारा मतलब है ये फीलिंग प्यार नहीं है? प्यार का तो कोई चांस नहीं है। 7 दिन तुम्हारे साथ घूम फिर क्या लिया, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। मुझे जो तुम मिस करते हो, साथ घूमने की ख्वाहिश रखते हो, ये प्यार नहीं इन्फैटुएशन है। दरअसल तुम्हारी गलती नहीं है, मैं हूँ ही खूबसूरत, मुझे देख कर अच्छे अच्छों की नीयत भी सजाए। तुम मेरे बारे में सोचती क्या हो? मैं तुम्हें कोई चीप सा लड़का नजर आता हूँ? मैं तुम्हारी ब्यूटी से प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार नहीं करता। तुमसे मैंने पेट्रोल के पैसे क्या मांग लिए, तुमने तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया। अब बताओ कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अब हटो, मेरे पास टाइम नहीं है। एक थप्पड़ लगाऊंगा। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। देखो ये फीलिंग्स ही मुझे रोक रही हैं। एक काम करते हैं, तुम्हें लगता है ये मेरा इंपैचुएशन है ना? लेकिन मुझे लगता है ये प्यार है। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है यार। ठीक है, हम दोनों में से एक को साबित करना होगा, तभी ये कन्फ्यूजन दूर हो पाएगा। जो करना है करो, गुड बाय। अरे बाबा भाग क्यों रही हो, तुम्हें प्यार करने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूँ। हेलो, एक मिनट रुको, मेरे प्यार को गलत साबित करो, अच्छा ही है ना, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन अगर प्यार हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो क्या है ना, तुम जैसी प्यारी लवर को मैं मिस नहीं करना चाहता। हाँ, आज जाके रेस्ट करो, हम कल से शुरू करेंगे। रुकना, पहले मैं लात मारूंगा यार, रुकना। अच्छा सुन, बहुत दिन हो गए, पीने का मन कर रहा है, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। अच्छा, भैया। ओ तेरी तू। भैया, भैया, मेरा लव मैटर सॉल्व कर दो भैया। पैसे का टेंशन मत लो, 1 लाख रुपए दूंगा। 1 लाख रुपए? कंट्रोल कंट्रोल मेरे भाई। तुझे पीने का मन था, 1 लाख रुपए मिलेंगे, सोचना। इस बार उसके बाप को तो छोड़, मैं तेरे लिए उस लड़की को उठा कर ले आऊंगा। थैंक्स भैया, थैंक्स भैया। अरे सुन, जल्दी से जय को फोन लगाओ, बोल यहाँ आए। कैसे? इस टाइम पे वो मैडम कहाँ पे होंगी? टेरिस पर गाना गा रही होगी भैया। तो देख, म्यूजिक स्टार्ट हो चुका है, मैं उसे उठा कर लाता हूँ। भैया यही रुक, जरा बटन तो दबा। तेरे प्यार की दीवानी हो गई हूँ मैं। मुझे एक बात बताओ, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? इतना कि तुम्हारी सांसों में खो जाने का मन करता है। वाह। बाप रे बाप रे बाप, तुम तो कोई मामूली लड़की नहीं लगती हो,
तुमने तो जो कल रात मैंने चढ़ाई थी वो भी उतार दी है। तुम्हें किक मारने के लिए मुझे पहले खुद को किक मारनी पड़ेगी। एक बंदा नीचे खड़ा है जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, सोच रहा है कि तुम यहाँ म्यूजिक सुन रही हो और उसे याद कर रही हो, लेकिन तुम तो यहाँ किसी और के साथ रास्ते में खेल रही हो। चुपचाप निकल। तो मुझे धमका रही है। आज तूने उसको धोखा दिया और इसकी बाहों में, और कल तो किसी और की बाहों में जाएगी और परसों किसी और की बाहों में। मैं तेरे बाप से तेरी कंप्लेंट करूंगा और कल तक ये सनसनीखेज खबर होगी। मेरे साथ चल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसका तो मैं पर्दाफाश करके रहूंगा। तू चल मेरे साथ। प्लीज मेरी बात तो सुनो भाई। चल। अरे मेरे भाई, तुम जिम जाते हो क्या? भैया सुन भाई, वो तेरे लिए फिट नहीं है, वो इसी के लिए फिट है। ये क्या भैया, तुम मेरी साइड छोड़कर उसकी तरफदारी कर रहे हो? तुम नहीं जानते, इसमें बहुत दम है। टेरिस से यहाँ तक इसने मुझे सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। अब तू भी समझ जा मेरे भाई। ये सब मैं नहीं जानता भैया, तुम उसे कैसे भी समझाओ मुझे वो चाहिए, तुम उल्टा मुझे ही कन्विंस कर रहे हो। एक काम कर, तू जरा अंदर जा, काम कर लेना। भाई थोड़ा आराम से, मैंने तो पी रखी थी, मुझे ज्यादा पता नहीं चला इसका सोच क्या होगा। अंदर आखिर हुआ क्या था? डिस्कशन था बिना शब्दों के। इससे हमें क्या सीखना चाहिए? अड्डा के अलावा हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तू वीडियो शूट करेगा और मैं साला बनूंगा। लेकिन उससे पहले हॉस्पिटल ले चल मेरे। ओके, वहाँ का बिल तू भरेगा और ऑटो तू लेके आएगा। मेरे बाप का ऑटो रिक्शा है ना। मुझे पता ही नहीं था भाई। इस बार शादी होगी या नहीं, बहुत टेंशन हो रही है। कहाँ है, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। क्या हुआ, तुम लोगों की शक्लें क्यों उतरी हुई हैं? भाई के साथ जो हुआ उससे हमें खुश होना चाहिए। ये लो खाओ, खाओ ना। अरे मिठाई खाओ। भाई मिठाई खाओ भाई। अरे क्या हुआ, मुझे मार क्यों रहे हो? ए, मैं यहाँ टेंशन में मर रहा हूँ और तू सबको मिठाइयाँ बांट रहा है। लगता है टाइमिंग गलत हो गई। ये क्या भाई, आप गलत समझ रहे हैं, आपने कभी मुझे समझा ही नहीं। क्या आपने पूछा कि मैं इनको मिठाइयाँ क्यों खिला रहा था? क्योंकि आपकी शादी प्रिया मैडम के साथ फिक्स हो गई है। मुझे शंकर पटेल की ताकत चाहिए, उसकी बेटी नहीं, शंकर पटेल की पावा। अगर वो भी किसी से प्यार करने लगी तो मैं तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खबरदार मैडम, प्रिया के बारे में कुछ कहा तो आपको पता है वो आपके बारे में क्या सोचती है। मेरे देवा, कंपनी के अजय गनगन है, शूट आउट के विवेक शॉपर आए हैं। हाँ भाई, ये पूरी तरह समझ गए। आपको समझ में नहीं आया? हाँ, लेकिन वो कोई लेकिन मेकिन नहीं, प्रिया मैडम आपसे बहुत प्यार करती हैं भाई। लेकिन मुझे ऐसा महसूस क्यों नहीं हुआ? महसूस होगा, इसलिए तो उन्होंने अपनी बड़ी बहन को प्लान करके भगाया ताकि आपके साथ शादी कर सके। तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन साथ में टेंशन भी हो रही है। इतना पी चुका हूँ लेकिन किक नहीं मिल रही है। जानता हूँ आपको किक किससे मिलेगी। वो कौन है? रेशमा। मैंने बुला लिया है उसे। आजा 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 आजा, यही है रेशमा। हाँ अंदर आ जाओ। चलो किसी तरह से मैनेज कर लिया। हेलो, अभी मैं प्रिया की फ्रेंड बोल रही हूँ। हाँ बोलो। उसकी शादी उसके जीजा से फिक्स हो गई है। बीच में मत पड़, डिस्टर्ब करना बंद कर। बाय। अभी को मैंने समझा दिया है, सब ठीक है, डोंट वरी। टच में हो उसके साथ? सिर्फ फोन पर। प्लीज उसे एंटरटेन मत करो, हटाओ उसे। ओके, ट्राई करती हूँ। हाय प्रिया। हो गया सत्यानाश। कॉलेज कैंटीन तो मस्त है। अच्छा सुनो, आज 6 to 9 तुम क्या कर रही हो? फ्री है, लेकिन क्यों? अरे वाह, तो मूवी का प्रोग्राम कंफर्म हुआ, ये रहे टिकट्स। देखा तूने, मूवी के बहाने फिर से ये मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, इसे ये लव कहता है। हेलो, लव कंफर्म होने तक मैं कोई एडवांटेज नहीं लूंगा। फिर ये टिकट्स किस लिए? ये टिकट तो तुम्हारी और तुम्हारे फियांसे के लिए है। ऐसा क्यों? बहुत सिंपल है, तुम उसके साथ फिल्म देखने जाओगी, मुझे रिजेक्ट करोगी, मुझे जलन होगी, तुम्हारे लिए नेगेटिव फीलिंग्स आएगी, तो कंफर्म हो जाएगा कि मुझे प्यार है। ये लो, सोच लो, तुम अगर मूवी देखने नहीं गई
तो मेरा प्यार और कंफर्म हो जाएगा। मैं मूवी देखने जाऊंगी। अरे वाह, ये तो वही कर रही है जो मैं कह रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, अब आएगा मजा। बाय प्रिया, बाय पिंकी, बाय। अरे वाह, इसने तो खुद से दूर जाने का मस्त आइडिया दे दिया है। अब देखना आगे आगे क्या होता है। जोकर आया। रंगा इधर आओ। लगता है फिर कोई डाउट हुआ। भाई क्या स्टाइल में बैठे हैं। क्या बात है भाई, बोलिए। एक बात सच बता। कौन सी बात? वही कि प्रिया किसी से प्यार तो नहीं करती। छी, मैडम किसी से प्यार नहीं करती। क्या हुआ भाई? उस दिन तो तूने बताया था कि वो मुझसे प्यार करती है। मैंने सच कहा था भाई, आपसे प्यार करती है कसम से। लेकिन वो मुझसे बात तो नहीं करती, ना फोन करती है, ना मूवी के लिए कहती है, लंच या डिनर कुछ मांगती भी नहीं। प्रिया हेलो देवा जी। हाँ प्रिया, आप मेरे साथ मूवी देखने चलेंगे? मेरी तो निकल पड़ी। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट। हाँ प्रिया, यहाँ सिग्नल थोड़े खराब है। मैं बाहर जाता हूँ। फोन फोन। क्या बात है प्रिया? मेरा मन कर रहा है कि आपके साथ मूवी देखने जाऊँ। ठीक है प्रिया। मैं रेडी होकर आता हूँ। लगता है इस गुंडे की शादी इस बार हो जाएगी। क्या कहा तूने? कुछ नहीं भाई, मैंने कहा गाड़ी ट्रैक पर आ जाएगी। ट्रैक पर। हमें टिकट्स देकर वो नहीं आया होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यही कहीं होगा। इसे मजा चखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। दीवा जी, ये गाना कितना रोमांटिक है ना। बहुत अच्छा है। बहुत ही खूबसूरत है। प्रिया हाँ? बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो, लेकिन थोड़ा सा ओवर हो जा रहा है। पता है तुम दोनों को साथ देखने वाला क्या सोचेगा? बहुत गुस्सा होगा। जेलसी तो इतनी होगी कि मैं क्या बताऊं। लेकिन तुम्हें उसके साथ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोई नेगेटिव फीलिंग्स आ ही नहीं रही है यार। तुम दोनों इतने फ्रेंडली तो हो ही सकते हो, ऐसा लगता है जैसे बचपन के दोस्त हो। तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे डाउट क्यों नहीं होता? अरे मैं तो तुम पे भरोसा करने लगा। और जान लो कि इस पूरी दुनिया में अपनी महबूबा पर एक आशिक ही इतना भरोसा कर सकता है। कहीं मुझे सच में प्यार तो नहीं हो गया? ऐसा क्यों होगा? दूसरा पहलू भी सोचो। अगर तुम्हारी बहन की फ्रेंड मेरी जगह पर होती तो तुम क्या सोचते? मेरी बहन की फ्रेंड? डाउट नहीं करता, उस पर भी ऐसे ही भरोसा करता। तो उससे भी प्यार करोगे क्या? हाँ? लेकिन शो शुरू हो गया, बाय। ये लव भी ना। भाई भाई मेरी बात सुनिए भाई, कुछ जरूरी बात है, सुनिए ना। कर दूं गली भाई, भाई मेरी बात सुनिए। गली गली, आप में अकल नहीं है क्या भाई? अपने प्यार को सिक्योर करने के बजाय यहाँ सरेआम नाच रहे हो, मस्ती कर रहे हो। प्यार को सिक्योर ही तो कर रहा हूँ, इसलिए तो फिल्म देखने गया। बहुत बढ़िया, बड़ी वाली के साथ भी सिनेमा देखने गए थे, उस समय भी आप इस तरह ही चेला चेला के जवानी ऐसे डांस कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ? सिनेमा खत्म हुआ, वो भाग गई। इस बार ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए इस बार ये क्या है? मैडम की कॉल हिस्ट्री। इसका मैं क्या करूँ? इसमें सबसे ज्यादा कॉल आया उस नंबर पर हम फोन करेंगे, अगर बॉयफ्रेंड का शक हुआ उसके खबर लेंगे। कहाँ गए? हाँ भाई, हाँ भाई, सुपर आइडिया। इतनी तारीफ मत कीजिए, शर्म आती है। भाई 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 भाई, मेरी बात सुनिए, इन नंबर्स पर फोन करते हैं, चलिए मेरे साथ, ये लो भाई। हाँ? एक नंबर है जिस पर रोज 3-4 बार फोन किया है। ऐसा है? हाँ भाई, फोन लगाओ उसे।
हेलो हेलो अरे काहे का हेलो, तू कोई भाई है क्या कि भारी आवाज में हेलो बोल रहा है? क्यों रे, तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रिया मैडम को रोज फोन करने की? तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? अगर दोबारा उन्हें फोन किया ना तो तेरी टांगे तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगा। कौन है रे तू जो मुझे अपनी बेटी को फोन करने पे वार्निंग दे रहा है? कौन था? आपके ससुर शंकर पटेल। भाई भाई माफ कर दीजिए, तू मेरी हेल्प कर रहा है कि बैंड बजा रहा है? गलती हो गई भाई, आपका फोन आया। हेलो। सुनो देवा, मुझे किसी ने फोन करके वार्निंग दी है, उसका नंबर मैं तुम्हें अभी भेज रहा हूँ, 2 दिन के अंदर वो मुझे मेरे सामने चाहिए। ठीक है अंकल। दो दिन में पता करके उसका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं, वरना तू गया काम से, तुझे ही खड़ा कर दूंगा ससुर जी के सामने। भैया 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 आप शांत हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। अरे मैं हूँ ना आपके साथ। काम पर लग जा। अरे पहला पेज तो खत्म हो गया, इधर बैलेंस भी खत्म हो गया है। खैर छोड़ो, भाई से पैसे ले लूंगा। भाई दूसरे पेज पर एक नंबर है, वो घंटों तक उनसे बात करता रहा है। नंबर बता। 9849098285 नंबर से कोई ठग ही लगता है। हेलो। ए प्रिया मैडम को पहचानता है? वो भी मुझे पहचानती है। वैसे तुम कौन बोल रहे हो? सुन ले, प्रिया मैडम के साथ घंटों तक बात करता है ना, ठीक नहीं है। अरे बच्चों को माँ बाप फोन देते क्यों हैं? बात करने को। इसलिए हमें रोकने का हक किसी को नहीं है। तुझे जिंदा नहीं रहना है क्या? तू ये वार्निंग किसको दे रहा है? मेरा अगर ईगो हर्ट हो गया ना तो जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं तू खुद होगा। ये वार्निंग गेम हम बाद में खेल लेंगे, प्रिया का फोन आ रहा है। कट कर दिया। ये कौन है भाई, मुझे कहता है कि बाद में वार्निंग देना? अब तुम कॉल बात करना, उसे मिस कॉल देना, जब वो फोन करेगा तब वार्निंग देना। बहुत अच्छा। भैया मिल गए, आप यहाँ पर हैं? भैया क्या हुआ? प्रिया जी किसी से प्यार करते हैं भैया। कौन है मेरा दुश्मन? मैं उससे मिला नहीं हूँ भैया, फोन पर मेरी बात हुई है। जब मैंने उससे बातें की ना तो मुझे कंफर्म हो गया कि प्रिया मैडम उससे प्यार करती है। उसे दोबारा फोन कर तू भैया, पता लगा कि कौन है वो और मार दे उसे। प्रिया का फोन बज रहा है, लगता है यही भूल गई। कट क्यों कर दिया इसने? फंक्शन के लिए हॉल फिक्स कर दिया। रिया, तुम्हारा फोन बार बार बज रहा है, देखो कौन है। ये लो। हेलो। फोन कट करने के लिए नहीं होता है, बात करने के लिए होता है। अगर देवाजी उठाते तो तुम्हें कट कर देते। किसी का डर नहीं है मुझे, वो फोन पर मेरा नाम देख के डर गया होगा और कट कर दिया होगा। अच्छा, सेफ साइड रहने के लिए मैंने तुम्हारा नाम कस्टमर केयर सेव किया है, इसलिए आज तुम बच गए। ऐसा तुमने क्यों किया? तुम्हारे दिल में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है क्या? अब जरा बताओगे फोन क्यों किया है? बहुत जरूरी काम है, तुम मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस आ जाओ, देखो टाइम बिल्कुल नहीं है। चीप ट्रिक्स मत करो, मैं नहीं आऊंगी। ओहो, तुम्हें लगा हमारी शादी, उसके लिए अभी बहुत टाइम है। लेकिन अगर तुम नहीं आई तो इतना बता देता हूँ, एक लव मैरिज नहीं हो पाएगी। मेरी वजह से लव मैरिज रुक जाएगी? क्या बकवास कर रहे हो? तुम आ जाओ, बताता हूँ, बाय। पर अभी इतना टेंशन देता है कि बिना जिम के भी स्लिम रह सकती हूँ। हाय प्रिया। अरे वाह क्या बात है, तुम तो टाइम से पहले ही आ गई। तुम्हारा एक्साइटमेंट देखकर लगता है तुम्हारे दिल में भी कुछ कुछ होने लगा है। हाँ, लव मैरिज मेरी वजह से रुक जाएगी, ऐसा क्यों कहा तुमने? ताकि उन दोनों की शादी हो जाए। अबे क्या कर रहा है, ठीक से खड़ा रहना। ये दोनों में से कोई तुम्हारा फ्रेंड है क्या? नहीं। तो क्या मेरे फ्रेंड्स हैं? अरे नहीं। तो फिर है कौन? क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट्स हैं? तुम ये सब समझने की कोशिश मत करो, जो तुम मेरे बारे में जानती हो वो अलग है और मेरी एक दूसरी दुनिया है जो इससे अलग है। ये है मेरा अड्डा, मैं यहाँ शादियाँ करवाता हूँ और आज मैंने वो तुम्हें लाइव दिखाने का प्लान किया है। दोस्तों सब कुछ रेडी है? हाँ, और तू हमेशा की तरह लेट है। ये मेरी फ्रेंड है। नमस्ते। रिया, जिसे तू अपना प्यार प्रूव करना चाहता है। भगवान ने सजा दी तुझे। अरे हमें शादी करवानी है, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो जाओ। पहला प्रोग्राम तुम्हारा, साला तुम्हारे पैर। ये रहे मेरे पैर, धोती उठाओ, दूसरा पैर ये लो। चलो काम हो गया, चलो दो। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू, पॉकेट में डाल, पॉकेट से मेरे लिए पैसे निकाल।
ये 500 रुपए से क्या होगा, 1000 रुपए दे। अरे भाई ये क्या है, 500 की बात हुई थी, 1000 मांग रहे। मुझसे शिकायत क्यों कर रहे हो साला, जीजा मिलकर सेटल करो। तो ठीक है, इसे 1000 क्यों दूं? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? इससे पूछूं? इससे पूछो। ये साले चुप कर, जो 500 रुपए के लिए नाटक करता उससे शादी करेगी, चुटकी बजाते तेरे लिए लड़कों की लाइन लगा दूंगा। चल मेरी मेरी मेरी। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसकी हाइट देखो, इसकी बॉडी देखो। हाँ बाल में थोड़ा प्रॉब्लम है, तेरी शादी कहीं और करवा लूंगा। चलो ये कौन है भाई, ये तुम्हारी तरफ से, इसे भी पैसे देने। दूल्हे राजा, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा, चलो पैसे देने। और नहीं तो क्या चेरी, गाड़ी गाड़ी नाटक करता है। निकाल लाऊं, ये लो। जीजा जी, सिस्टर, आप दोनों की जोड़ी कमाल है। क्या चॉइस है सिस्टर। आगे क्या है? आगे का प्रोग्राम अंदर है। रुक जा, एक बात समझ लो, हम ये शादी दो रिवाजों में करेंगे। चलो इधर ही शुरू। अरे जरा देखो खुद को, बच्चों की तरह क्या आपस में लड़ रहे हो। पेमेंट में से 200 रुपए कट। अब चलो कट नहीं करूंगा, अब शांति से शादी कराओ। ओम लक्ष्मी पते नमः। नमस्ते नमस्ते। प्यार ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। साइन करो, यहाँ साइन कर दे। सिग्नेचर के 250 लगेंगे। तुम्हें कुछ अंदाजा है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? यहाँ साइन करने के लिए एक फ्रेंड नहीं आया है, तो उसकी जगह तुम साइन करोगी। साइन करो। लव मैरिज है इसलिए साइन कर रही हूँ। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। थैंक यू फादर। शादी हो चुकी है, अब तुम लोग जा सकते हो। हाँ, अब यहीं रुको और अरुंधति नक्षत्र देख के आगे बढ़ो। मुझे तो ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा चेरी। कुछ दिख नहीं रहा? अरे किस्मत का तारा कहाँ गया? हवा की वजह से नीचे गिर पड़ा है। किस्मत का तारा जमीन पर मरूंगा तुझे। जा जाकर बांधो से, जा। काम तो नहीं बोलता है। आप टेंशन मत लो, सारे अरेंजमेंट शॉकिंग है। पहले ही बहुत शॉक लग चुका है। कैमरे की तरफ देखो भाई, स्माइल स्माइल। ये मुझे चिढ़ा रहा है। अब तारा रेडी है, जरा ऊपर देखो। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम, बड़ों का आशीर्वाद लेना है। बूढ़े को बुला के ला। इसका मैं क्या करूं? आप जरा पकड़िए। अरे यार झूला है ये, तुम संभालना। ठीक है, देखो ये जूम है और इसे तुम आप। इसमें तो पी रखी है। क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें ये चलेगा ना? मेरी शादी के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। जाओ आशीर्वाद ले लो। जिंदगी भर नशे में रहो, प्यार में हमेशा मदहोश रहो, प्याले में कभी खत्म ना हो। ओले 500। कौन सा ब्रांड पीते हो, जरा हेल्प करना भाई। नेक्स्ट प्रोग्राम, पूरे बाराती बैंड पर नाचेंगे। पैसे दिए हैं, अब तुम्हें किसका इंतजार है? चलो बजाओ। कोशिश तो दिल से की थी, अगर कोई कमी रह गई हो। नहीं, बहुत मजा आया। A special gift from us, इस पौधे की तरह तुम्हारा प्यार भी बढ़ता रहे, यही मेरी दुआ है। All the best. Thank you भाई। Thank you so Thank much. You. Thank you. Bye. Bye. देखा तुमने, ये मेरी छोटी सी फैमिली है। ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस, मेरे अंकल, मेरे फ्रेंड्स, ये पंडित, सब लोग, और फ्यूचर में तुम। हैप्पी फैमिली मैडम जी। तुम्हें एक चीज देनी थी, ये लो। अगर मेरा लव प्रूव हो जाता है और तुम राजी हो जाती हो तो इसे अपने साथ लेकर आ जाना, हमारी शादी भी यहीं इसी जगह होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसे फाड़ कर फेंक देना। तो वो शुभ काम मैं अभी कर देती हूँ। अरे इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा टाइम दो। या डरती हो कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए? ऐसा कुछ नहीं होगा, एक दिन जरूर फाड़ूंगी। तब तो ठीक है, इसे अपने पास रख लो, मुझे पूरा भरोसा है एक दिन तुम जरूर बदलोगी। वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, हम कल फिर मिलेंगे। बाय। बेवकूफ, हमें ब्लैक नहीं व्हाइट कॉइन चाहिए। फोन नंबर वाला लड़का मिला? देख नहीं रहे क्या भैया, हम लोग उसी पर काम कर रहे हैं। अरे रानी मिल गई, रानी मिल गई। अगर ऐसे लापरवाही की तो एक दिन वो सच मुझे उसके प्यार में पड़ जाएगी। अब तक तो उसे ढूंढ रहे थे भैया, बस आज ही थोड़ा रिलैक्स हुए हैं। आओ चलो ढूंढो उसे। मालकिन, आपके लिए पार्सल आया है। For your head, for your heart,
पिंकी ने बताया तुम्हारी तबीयत खराब है। पता है तब से किसी काम में मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा है, इसीलिए ये सब भेज रहा हूँ। तुम सोच रही होगी मैं अचानक इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी सी बातों पर ऐसे रिएक्ट करने वाले आशिक ही होते हैं। अब भी तुम इसे प्यार नहीं मानते? अब इस बात का दूसरा पहलू भी देखते हैं। अगर तुम्हारी माँ आज जिंदा होती तो वो भी तुम्हारा इसी तरह ख्याल रखती। प्यार को एक दिन जरूर मान जाएगी, ऐसा मुझे डाउट होने लगा है। ए, चुप कर, ऐसा कुछ नहीं होगा। डोंट ट्रस्ट द बॉस। पर दिल कहता है वो भरोसे के लायक है। यही हमारा वीकनेस है, हमें तो बस थोड़ी अदाएं दिखाने की जरूरत है। आई एम श्योर वो नहीं रुकते, ये ऐसा मौका मिलता है फिसल जाते हैं। अगर तुम कहो तो मैं उस पर ट्राई करूँ। ऐसा क्या करोगी? फोन करके उससे बुलाओ, वो तुम्हें छोड़कर मेरा दीवाना हो जाएगा। ऐसा क्या? हाँ हाँ ट्राई करते हैं। देख देख वो आ रहा है। देखा तूने, ये कभी खाली हाथ नहीं आता। अगर कुछ नहीं रहा तो कॉन्सेप्ट तो होता ही है। हे, तुम सब यहाँ हो? हाय। हाय। पार्टी में इनवाइट करने के लिए थैंक्स। यू आर वेलकम। प्रिया, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब ये क्या है? हॉस्पिटल जाकर मैंने सारे टेस्ट करवा लिए हैं। इस हेल्थ रिपोर्ट से तुम्हें मेरे सारे बैड हैबिट्स पता चल जाएंगे। अपनी सारी गलतियां मैं तुम्हें बताऊंगा, और उसके बाद जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा सारी अच्छी बातें बताऊंगा। फिर प्यार बढ़ेगा, कम होने का कोई चांस ही नहीं है। कॉन्सेप्ट मस्त है ना? इसमें मेरे सारे बैड हैबिट्स लिखे हैं, ध्यान से देख लो, चेक कर लो। हॉरोस्कोप भी लाया हूँ, हम कहाँ मैच नहीं होते वो भी देख लो, डिसीजन लेने में आसानी होगी। देखते हैं। इतनी सारी बोतल एक आदमी के लिए? हाँ बॉस, इस शहर में अकेला हूँ, ना ही मेरे पास कोई कंपनी है और ना ही कोई फ्रेंड्स। अरे दोस्त, ऐसा क्यों कहते हो, हम हैं ना आप लोग भाई। हाँ, कंपनी देंगे। अरे क्यों नहीं बॉस, चलो मेरे फ्लैट में चलते हैं। यार थोड़ा संभाल के रखना। तुम लोग रिलैक्स करो, मैं टचअप करके आता हूँ। टचअप मतलब क्या? अरे फ्रेश होने गया होगा, गलती से टचअप बोल दिया होगा। नौजवानों के लिए एक अहम सूचना, आजकल मासूम नौजवानों को एक गे ग्रुप परेशान कर रहा है, इसलिए शहर के कमिश्नर ने नौजवानों को सावधान रहने के लिए कहा है। अरे एक गे किसको ट्रैप कर सकता है? पता है कोई इसके जैसा बेउड़ा ही रहा होगा जो उसके ट्रैप में आ गया होगा। लगता है कोई आइटम है घर में। ये तो वही है यार। इसके लिए ठीक नहीं लगते। वाओ, हम क्या करेंगे? खड़े क्यों हो गए? रिस्पेक्ट दे रहे हो? अरे इसने पहचान लिया तुम्हारी बैंड बजाने का। ये हाय गाइस, कम ऑन फ्रेंड्स। इतने सारे उस दिन भाग गए थे ना, उस दिन मुझे बहुत कुछ करना था लेकिन कर नहीं पाई, अकेली थी ना। लेकिन आज पूरा गैंग है। Come on guys. बात करें क्या उसे? वो बात नहीं करेंगे। वो जल्दी बता क्या करें? तुम लोग कमर में क्या कर रहे हो? बाहर हमें कोई इज्जत से जीने नहीं देता ना। करंट क्यों नहीं है घर में? इन्वर्टर जो है, वैसे यहाँ करंट की जरूरत क्या है? मुझ में है करंट। पूरा मेरा बॉडी हिल रहा है, चल जा यहाँ से। हाय, दूर हट मुझसे, हट। मैं बस अभी आई डाली। इससे मुझे मारना। कहाँ मारूं? अभी बता दूँ। थोड़ा जोर से मारना, थोड़ा और जोर से। ये ले। कितनी हॉट बैक है तुम्हारी राजा। पास आ जा राजा। पिंक पिंक पिंकी पिंकी पोंकी, तेरा बाप है एक डोंकी। तू चाहे तो मेरा मैचिंग शर्ट ले ले, और क्या? लेकिन मैच मत खेल, मैं आउट हो जाऊंगा। अच्छा आउट हो जाएगा? ए, तेरे फ्रेंड को पहली बार बताया था मैच कैसे खेलते हैं, और अब तेरी बारी है। ओके समझ गया ना, मुझे अपने पैरों की दासी बना ले। पास आओ ना,
अच्छा नहीं आ जाओ ना, नहीं आना मुझे। लिपस्टिक लगा लोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है लगा लो। हाँ अरे ये क्या कर रहा है, लिपस्टिक ही तो लगा रहा हूँ अपने होठों से। अच्छा वो लाइट चलेगी, वो हमें ढूंढनी चाहिए। लेकिन क्या, अरे नहीं बाल बच गए, इससे पहले कि वापस आते भाग लो। मुझे शादी की स्पेशल डिजाइन्स देखनी है। हाय क्या बात है, आजकल बहुत बिजी हो, शादी की तैयारियां कर रही हो? पहले प्यार तो कंफर्म हो जाने दो। कुछ खास नहीं, सूट नहीं कर रहा ये वाला। आप दोनों की चॉइस सेम है। वेट कीजिए मैं थोड़ी देर में बनाती हूँ। वाह क्या बात है, देखा प्रिया हम दोनों का सेम टेस्ट, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, कहीं हम दोनों के बीच में प्यार तो नहीं? ऐसा मत पूछना क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे प्यार को लेकर मजाक मत करो, मैं खुद अपने प्यार को लेकर बहुत उलझा हुआ हूँ। ये बात है, तुम्हारी उलझन और बढ़ा दूँ? नसीब वाले हो कि देवाजी के आदमियों को तुम नहीं मिले, वरना ये प्यार व्यार का बुखार उतार देते। ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है, उसके आदमी जब मुझे मारेंगे तब देखते हैं तुम्हें तकलीफ होती है या नहीं, लव का भी तब पता चल जाएगा। लगता है ये प्लान काम करेगा। तुम तो यार बहुत स्मार्ट निकली प्रिया, तुम उन्हें फोन करके बुलाओ, आज फैसला हो ही जाए। देखो ये कोई मजाक नहीं है, उनके आदमी शहर के गुंडे हैं, तुम्हें जान से मार देंगे। तुम्हें शायद ये जोक लग रहा होगा, लेकिन मैं अपने प्यार को लेकर बहुत सीरियस हूँ। फोन करके बुलाओ उन्हें। मैं नहीं बुलाती। तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बुलाओगे तो वो आएंगे नहीं? रोज फोन करके वार्निंग दिया करते हैं मुझे। चलो मैं ही उन्हें बुला लेता हूँ। अभी नो, ओहो ऐसे स्टूपिड मत बनो। प्रिया मैडम को जो परेशान कर रहा है ना, उसने फोन करके हमें यहाँ बुलाया है। तब तक क्यों नहीं पहुँचे? ध्यान से सुनो, आधे उधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। चलो रे मैं इधर हूँ। खुद फोन करके एड्रेस बताया फिर भी लेट कैसे हो गए? वेट करते करते बोर हो गया मैं। पागल है क्या, पीटने के लिए हमें यहाँ बुलाया है? पागल तो तुम लोग हो जो बिना हथियार लिए मुझे यहाँ मारने चले आए। हॉकी स्टिक्स और रॉड्स लेकर आओ मेरे भाई। अरे तुम्हें खत्म करने के लिए उसकी जरूरत नहीं है भाई, उसके लिए मेरा स्टाफ ही काफी है, चुटके में खत्म कर दूंगा। इसे कहते हैं दम। तुम और तुम्हारे जोकरों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ए, मारो इसे। ये उठकर कहाँ जा रहा है? अरे बाप रे। डर क्यों रहे हो यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई अब हम क्या करें? दूसरा प्लान है। क्या है भाई? चलो भागो यहाँ से। भागो। अरे कहाँ जा रहे हो, खलास तो करो मुझे। बहुत तेरे की। ये प्लान भी फेल हो गया। ये अचानक प्रिया कहाँ गायब हो गई? ओ, तो वापस आ गए? हम डर कर भागे नहीं, आज तो तुझे खत्म करके ही जाएंगे, देख हथियार लेकर आए हैं। आ जाओ भाई आ जाओ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कोई रहम मत बरतना, और सुनो अपने हथियार का सही इस्तेमाल करना। इसे मारो रे। क्या बात है, क्या सुपर माइंड। वाह क्या मारा यार। रंगा बॉस से कह देना कि इनकी तनख्वाह बढ़ा दे। ऐसे मारता
सकता है क्या? निकले यहाँ से। चलो निकलो। डॉक्टर, इनका जल्दी ब्लड टेस्ट कराओ। ओके डॉक्टर। जरूरत नहीं है डॉक्टर, इसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, व्हाइट ब्लड सेल्स काउंट 10,000, रेड ब्लड सेल्स काउंट। आप इनके फैमिली डॉक्टर हैं? नहीं डॉक्टर, फ्रेंड हूँ। फ्रेंड हो और इतनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है अंदर लेकर चलो, सब ठीक हो जाएगा। क्या मैडम, आप कहती हो कि आपके पति स्मोक और ड्रिंक नहीं करते, लेकिन ये रिपोर्ट कुछ और ही कह रहे हैं। इनकी आदतों ने उनका लिवर और लंग खराब कर दिया है। शादी के 10 साल बाद भी आपको ये बात पता नहीं चली? इसमें मेरे सारे बैड हैबिट्स लिखे हैं, ध्यान से देख लो, चेक कर लो, हॉरोस्कोप भी लाया हूँ, हम कहाँ मैच नहीं होते वो भी देख लो। शादी के 10 साल बाद भी वो औरत अपने पति को नहीं पहचानती, और कुछ ही महीनों में अभी ने मेरे सामने अपनी जिंदगी की किताब खोल कर रख दी। अभी ठीक तो हो जाएगा ना? मुझे भी डाउट है, लेकिन ऐसा प्यार करने वाला तुझे कहीं नहीं मिलेगा। कोई डाउट नहीं है, ये तय है वो कभी नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि उसे लौट आना चाहिए। बैठ जाओ। मुझे पेशेंट जैसा फील मत कराओ, ठीक होने के बाद ही उन्होंने मुझे छोड़ा है। मैं हॉस्पिटल से डायरेक्ट यहाँ आया हूँ, तुम रिलैक्स होके बैठो। प्रिया, समझने की कोशिश करो, बहुत मार खाया, मुझे भी पता है तुम्हें भी पता है। मुझे मार खाता देख तुम्हें इतनी तकलीफ हुई कि तुम सह नहीं पाई। अब तुम ही सोचो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ हैप्पी जिंदगी कैसे गुजार सकता हूँ। और अब ऐसा लगता है ये दिल धड़कता है तो सिर्फ तुम्हारे लिए। ये प्यार नहीं तो और क्या है प्रिया? लेकिन प्रिया, इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है। ऐसा और किसके लिए हुआ है मेरे साथ? फ्रेंड्स? करेक्ट है, फ्रेंड्स के लिए भी तो मैं ऐसे मार खा चुका हूँ, तो फिर ऐसा क्यों लगा कि ये फ्रेंडशिप नहीं है, सिर्फ लव हो सकता है? ठीक है, मैं फिर से सोचता हूँ। भाई चल घर ले चल मुझे। अंदर क्या ढूंढ रही हो बेटी? जरा डीवीडी चला देना। ये क्या है डैड? पूजा ने अपनी शादी की डीवीडी भेजी है, इसे देखने में बहुत मजा आएगा बेटी। आप आगे बढ़िए, मैं बस अभी आई। चल चल जल्दी आ। चलो देखते हैं कैसी भी शादी। उसे मौत के घाट उतार, लेकिन तुमने उसे पीट के छोड़ दिया। देखो इसे, अब वो किस हद तक जा चुका है।
तुम पर भरोसा करना ही मेरी गलती थी। अब उसे नहीं छोड़ूंगा। बताऊंगा मैं कि कौन हूं मैं। हेलो, मैं देवा बोल रहा हूं। हाँ बोलो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ? तुम्हारे अड्डे पर। जरूरत नहीं है, मैं तेरे अड्डे पर आता हूँ। आई देखो वो आ गया। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कब्जा करना, गुंडागर्दी करना, ये सब मेरा काम नहीं है। उसके लिए मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तुझे वही करना है जो तू करता है। और वो क्या है? दो प्रेमियों को अलग करना। कितने पैसे लेगा बोल। ओहो, लगता है मेरा पूरा डिटेल्स पता करके आयो। ठीक है, मैं डील प्रेमियों और उनका बैकग्राउंड जानने की बात करता हूँ। पहले मुझे उनसे मिलना होगा। इन दोनों का ब्रेकअप कर। कितने पैसे लेगा? ये कमाल की जोड़ी है, तुम्हें क्या पसंद नहीं आई? बकवास बंद कर। मैं इस लड़के को जान से मारने की हिम्मत रखता हूँ। मारना मुश्किल है बॉस, तुम उसके बारे में जानते नहीं हो। अगर उसने एक बार कुछ करने का फैसला कर लिया तो उसकी आवाज सुनकर तुम कांपने लगोगे। उसे देखकर तुम्हारा दिल दहल जाएगा। और कहीं अगर तुम उसके फैसले के खिलाफ गए तो जान से जाओगे। अच्छा है तुम अपने साथियों के साथ आयो बॉस। तुम में बहुत हिम्मत है क्या? मेरी बॉडी लैंग्वेज ही कुछ ऐसी है, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसे ही पेश आता हूँ। मेरी बात छोड़ो, तुम्हारे डील की बात करते हैं। तुम्हें लगता है उन लोगों को अलग किया जा सकता है? ट्राई करते हैं। तेरी हैसियत के हिसाब से 5 लाख लूंगा। 50 लाख ले ले, लेकिन इन दोनों को अलग कर। अगर तेरा वक्त सही रहा तो तेरा काम हो जाएगा। मुझे लगा कि वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उस अभी को तो प्यार किस चिड़िया का नाम है ये भी नहीं पता। अगर जानता तो अपने ही प्यार को तोड़ने का सौदा कभी नहीं करता वो। अभी के लिए मैं शादी तोड़ने को भी तैयार थी, लेकिन उसने चंद पैसों के लिए मेरा दिल तोड़ दिया। लगा था वो बदल जाएगा, लेकिन उस जैसा इंसान कभी नहीं बदलेगा। अफसोस मत कर। अरे लेकिन मैं अफसोस क्यों करूं? अफसोस तो उसे होगा इस गलती का, उसे मैं इस दर्द का एहसास कराऊंगी। इस शादी को रजिस्टर करना है। प्रिया, ये क्या है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुना। कल मेरी शादी हो जानी चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? अचानक ये क्या है? तुम्हारी शादी को तो 3 दिन बाकी है। तो क्या 3 दिन में मुझे लगेगा कि तुम्हारी जो फीलिंग है वो प्यार है? जो इंसान प्यार को 10 लाख रुपए के लिए बेच आया वो भला क्या समझेगा? तुम्हें गलत फहमी हो रही है बेटी। प्रिया को भूलने की बात क्यों कर रहा है यार तू? कुछ बोल, जवाब दे ना। मैंने ये पैसे अपने प्यार को साबित करने के लिए लिए हैं। ये पैसे लेकर अगर मैं प्रिया को भूल जाता हूँ तो मैंने प्यार नहीं किया, और अगर मैं ना भूल पाया तो कन्फर्म प्यार किया है। इसका विश्वास करने के लिए आप कितने भोले हैं ना। ऐसे काम के लिए इसने पहली बार पैसे नहीं लिए हैं। आपको लगता है ये पैसे शादी करवाने के लिए लेता है? इसकी असलियत क्या है आपको ये पता ही नहीं है। यहाँ जो शादियाँ करने आते हैं उनके माँ बाप से शादियाँ तोड़ने के ये पैसे लेता है। अभी मैं फिर से कहती हूँ, कल मेरी शादी हो जानी चाहिए और वो तुम ही करवाओगे। जितने पैसे चाहिए ले लेना। बेटा, प्रिया ने जो कहा किया वो सच है। सच सच बोलना, तुम्हें मेरी कसम है। सच है अंकल। तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए? लोग हमारे पास आते हैं क्योंकि उनके प्यार का साथ देने वाला कोई नहीं होता। ऐसा बाप तो कैसे कर सकता है बेशरम।
तूने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, यहाँ मौजूद हर किसी को धोखा दिया। अब तुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। चला जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। सारी दुकानें बंद कर दो। तुम लोग क्या देख रहे हो? बहुत हो गया तमाशा। अगर तुम में से कोई भी दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना, तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। आपको लगता है प्यार क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ऐसा सोचने और करने पर किसने मजबूर किया? आपके इस रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने। 25 साल पहले मेरी माँ ने भी प्यार किया था और भागकर इसी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आई थी शादी करने। यहाँ पर साइन कर दीजिए। 3 महीने बाद मेरी माँ को पता चला कि उसका पति धोखेबाज था। वो शादी के 3 महीने बाद दुनिया छोड़ने का फैसला करती। मैं उनके पेट में था, इसी बहाने उनकी जान बच गई। आपके चक्कर आने की वजह एक गुड न्यूज है, आप प्रेग्नेंट हैं। वो अपने घर वापस नहीं जा सकती थी, लेकिन उसे मेरी भी परवरिश करनी थी, तो मेरी माँ यहाँ काम करने लगी। मैं पला बढ़ा, खेला कूदा इसी रजिस्ट्रेशन ऑफिस के आंगन में। लगता है मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। कुछ हफ्ते पहले उसने यही शादी की थी सर। ओहो, इसने आत्महत्या कर लिया। तुमने कहा था शादी के बाद विदा छोड़ दोगे। झूठ कहा था मुझसे। छोड़ो। अरे मुझे बोलेगी, मुझे सुनाएगी। तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। अगर मुझे शादी से पहले पता होता कि तुम ऐसे हो, तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। मेरी फूटी किस्मत। अगर मुझे शादी से पहले पता होता कि तुम ऐसे हो, तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। उसे शादी से पहले क्यों नहीं पता चला? यहाँ मैंने कई शादियाँ देखी हैं और बहुत से रिश्ते टूटते हुए भी देखे हैं। जब भी ये देखता तो मुझे लगता किसी ना किसी को तो यहाँ होना चाहिए, एक ऐसा इंसान जो उन प्रेमियों को दुनिया की हकीकत से वाकिफ करवा सके। मुझे लगा एक वॉचमैन की जरूरत है यहाँ, और मैं वो वॉचमैन बन गया अंकल। कहते हैं भगवान प्यार को नहीं तोड़ सकता, तो फिर मैंने कैसे किया? क्योंकि उनके प्यार में सच्चाई नहीं थी, इसलिए मैं नहीं तोड़ता तो शादी के बाद टूट जाता। आप बताओ अंकल, इससे दो परिवारों को कितनी परेशानी होती है। मैं दरअसल कुछ नहीं करता, शादी के बाद की जिंदगी को उनके सामने ले आता हूँ, और वो अलग होते हैं क्योंकि वो अपनी गलती समझ जाते हैं। उनके इस झूठे प्यार का वहम तोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक मिस्ड कॉल ही काफी है। मैंने कभी अपनी माँ को मुस्कुराते हुए नहीं देखा, और आपको पता है मैं इस काम के पैसे क्यों लेता हूँ? मेरी माँ की तरह धोखा खाने वालों की मदद के लिए। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे अपनी जिंदगी खुशी से बिता सके। यहाँ उनकी शादी तब हो जब वो उस शादी को निभा सके। मैं प्यार में कभी हार नहीं देख सकता अंकल, प्यार कभी जुदा नहीं होना चाहिए, लेकिन प्यार में धोखा भी नहीं मिलना चाहिए। सही कहा बेटा, कई बार मुझे भी लगा कि ये जोड़ी सही नहीं, तो भी मजबूरी में मैंने उनकी शादी करवाई। अब बेटा ये मेरा काम था जो करना पड़ा, लेकिन तुमने उन्हें अपने रिश्तों की गहराई से वाकिफ करवाया, भटके हुए को रास्ता दिखाया, इसीलिए बेटा तुम बिल्कुल सही हो। और शादी करवाओ, करवाओ। जिन जोड़ी को तुम मेरे पास लाओगे ना, मैं यहीं पर बड़ी खुशी से उनकी शादी करवाऊंगा, ठीक है? देखा, प्रिया को सच बताने में देरी मत कर, वो सब समझ जाएगी। रुक जाओ, मैं प्रिया से जाकर कहूंगा क्या? पहले मुझे जानना है कि मुझे सच्चा प्यार हुआ या नहीं। मुझे ऐसे प्यार की तलाश है जिसके बगैर मेरी सांसें रुक जाएं, जिसके बिना मेरा जीना बेकार हो। प्रिया की शादी कल है और वो भी तू ही करवा रहा है, तुझे और क्या जानना है? मैंने दूसरों के लिए वॉचमैन का काम किया है, आज वही काम मैं अपने प्यार के लिए करूंगा। अगर मेरा प्यार सच्चा ना निकला, तो कहीं प्रिया की जिंदगी मेरी माँ जैसी ना बन जाए। हाँ।
चलिए चलते हैं। ए, अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो बहुत काम है, चलो चलो। एक मिनट रुको रुको, आपका साला आपके पैर धोएगा। आजा भाई शुरू हो जा। आना रुक जाइए, ये पैर धुलवाने के भी पैसे लेता है। वो लोग बाहर क्यों चले गए? वो साइन करने को तैयार नहीं है। ठीक है तुम साइन करो। एक शर्त है। क्या? इस काम के हम पैसे नहीं लेंगे। ठीक है साइन कीजिए। आप दोनों इस पेपर पर साइन कर दीजिए। अगर तुमने ये साइन कर दिया तो मेरी जिंदगी से दूर हो जाओगी। तुम्हारे दूर जाने के ख्याल से मेरे जीने की ख्वाहिश मिट गई है प्रिया। मुझे समझ में आ गया है, प्यार का सिर्फ एक ही पहलू होता है और वो है प्यार। प्लीज मुझसे दूर मत जाओ प्रिया। आज मुझे इसका कोई दूसरा पहलू नहीं दिख रहा, ये प्यार है, ये कन्फर्म हो चुका है। जानती हो मुझे कैसा महसूस हो रहा है? मेरी हर सांस में, दिल की हर धड़कन में सिर्फ तुम बसी हो प्रिया। जब तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कि सपना है जो मेरे लिए सजाया गया है। ये सब खुशियाँ मेरे जिंदगी भर की मेमोरीज बन चुकी हैं। मैं तुम्हारा साथ आखिरी दम तक नहीं छोड़ूंगा। तुम चाहो तो चांद तारे सब कुछ तुम्हारे कदमों तले बिछा दूंगा। क्या तुम मुझे सिर्फ एक मौका दोगी? अब साइलेंट क्यों हो गए? अगर ये शादी नहीं हुई तो सबको मार डालूंगा। ए, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पहले तुझे मारूंगा फिर उससे शादी करूंगा। Come on!
जब मेरा प्यार कंफर्म नहीं था तब मैं मरने के लिए तैयार था, लेकिन अब कंफर्म हो चुका है इसलिए मारने के लिए तैयार हूं। रहे हो ना, पर किससे शादी करना है ये फैसला तो मेरा होगा। देखिए, मैं आपको बचपन से जानती हूँ, आपको पीने की आदत नहीं है, लेकिन अभी को है। आप किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते और अभी बेझिझक मेरे सामने लड़कियों के करीब जाता है। फिर भी मैं अभी को पसंद करती हूँ, आपको पसंद नहीं करती। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इसके अंदर सच्चाई है और आप अपने आप से झूठ बोलते हैं। मुझे अभी की सारी बुरी आदतें पता है, लेकिन फर्स्ट टाइम उसने एक अच्छी आदत बताई कि वो मुझे अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहता है, और मुझे बस इसी बात की खुशी है। बस एक इसी बात के भरोसे मैं जिंदगी गुजार लूंगी। इसके लिए मेरे दिल में जो प्यार है वो कभी कम नहीं होगा। सभी लड़कियों को इसके जैसे लड़के से प्यार करना चाहिए। अपनी सारी बुरी आदतें बता दी, मेरी बुरी आदतें नहीं पूछोगे? जरूरत नहीं है, जब कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे